बिहार के बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ बिहार लोगों ने पीछे भी बात की थी और एक आध साक्षात्कार में ये बात उठाई भी गई है एक लेख भी मैंने ऐसा देखा जिसमें जायसवाल जी की उपेक्षा की बात कि उनकी जो हिंदी की मुख्य धारा है उस मुख्य धारा में जो मूल्यांकन चलता है उस मूल्यांकन में जयसवाल जी की उपेक्षा की गई पहली बात तो यह मैं ऐसी किसी उपेक्षा उपेक्षा को मानता नहीं ऐसी कोई कोई लेखक जो सशक्त लेखक है जिसको अपने ऊपर विश्वास है अपने ऊपर भरोसा है जिसको जी जनता के जीवन पर भरोसा है जिसका जनता के जीवन से गहरा आत्मीय सरोकार है और उससे वो साहित्य की भला उसकी उपेक्षा कौन करेगा कैसे करेंगे आप उसकी उपेक्षा जो है कितने दिन तक आप करेंगे उसकी उपेक्षा ये उपेक्षा का मामला बड़ा टेढ़ा है अभी हम लोग बात कर रहे थे पुराने जमाने में अगर आप देखें वेदों से लगा करके चाहे रामायण है चाहे महाभारत है चाहे उपनिषद है चाहे पुराण है और, और बाद तक की चीजें ऐसा कालजयी साहित्य ऐसी कालजयी रचनाएं लिखते वक्त ये सब लोग ऋषि थे व्यक्ति के रूप के रूप में महान सोचने के रूप में महान और जो दे रहे हैं उसके रूप में महान उनके मन में कभी ये आकांक्षा जगी ही नहीं कि इन रचनाओं को मेरी रचनाएं मान करके के लोग देखें या पढ़ें बहुत सारे लोगों ने अपने नाम ही नहीं दिए आज तक हम इस बात को लेकर के जो है खूब चर्चा करते हैं कि इसका लेखक कौन है इस पर शोध हो रहे हैं वास्तविक लेखक कौन है तो ऐसी बड़ी रचनाएं लिखने वाले लेखकों के मन में केवल ये रहा कि ये रचनाएं लोगों के बीच में पहुंच जाए या पढ़ी जाए इससे ज़्यादा उनको अपने नाम की कोई ज़रूरत नहीं है दिया ही नहीं है और हम लोग यहाँ जो है दो, दो कविताएं लिखेंगे दस कविताएँ लिखेंगे दो कवि किताब लिखेंगे और चाहेंगे कि सारे हिंदी संसार में केवल हमारी ही चर्चा होती रहे और हमारा ही नाम जा, जाना जाता रहे मतलब ये ये कौन सा लेखक और साहित्यकार होने का वो है बोध है आज भी जिनको हम जानते हैं जैसे भक्ति काल है भक्ति काल में कौन क्या है इसका मूल्यांकन इसका निर्धारण आज तक हो नहीं पा रहा है अभी भी ये चर्चा के चर्चा में हैं ये चीजें बहस में हैं, के कबीर बड़े लेखक हैं के तुलसी बड़े लेखक हैं कि सूरदास बड़े लेखक हैं कि मीराबाई बड़ी लेखक हैं निर्धारण नहीं हो रहा है इस पर खूब विमर्श चल रहा है साहित्य में विमर्श चल रहा है विचार के आधार पर कई लोग कहते हैं कि कबीर बड़े थे विस्तार और व्यापकता के आधार और जीवन के चित्रण के आधार पर लोग कहते हैं कि तुलसी का तो कोई जवाब नहीं हिंदी में ही नहीं बल्कि दुनिया के साहित्य में ऐसा साहित्यकार जो है वो मिलना मुश्किल है और सूरदास मतलब बाल मनोविज्ञान और जीवन और ये प्रेम और इस सब के वर्णन में वो बेजोड़ हैं बेजोड़ है, जो जिसमें एक उपन्यास जो है मैंने पढ़ा इनका पढ़ा इनका था चिरंजीवी <coughs> तो हिंदी में ऐसे बेजोड़ उपन्यास जो है लिखने वाले जायसवाल तो अभी उसका निर्धारण नहीं हो रहा है और हम आज ये झगड़ा कर रहे हैं कि कौन प्रसिद्ध है कौन उतना प्रसिद्ध नहीं है किसकी उपेक्षा हो गई है और किसको ज्यादा महत्व तो मिल गया है इस झगड़े में पड़े हुए हैं छायावाद चार कवियों के लोग नाम जानते हैं चौदह कवियों के लोग नाम जानते भी नहीं है छायावाद के केवल चार कवियों के लोग नाम जानते हैं उसमें रामविलास जी को निराला जी जी को जी को मिल गए और जी ने निराला, का पर तीन खंडों में जो लिखा निराला की साहित्य साधना उसके बाद जो है सब लोगों को यह महसूस होने लगा कि उनका दर्जा जो है शायद निराला से काफी कम है वैचारिक रूप में यथार्थ के रूप में और काव्य कला के रूप में अब यह तो हो गया लेकिन फिर से कोई अध्याय साहित्य में बंद नहीं होता कभी बंद नहीं होता है ये मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन पुनर्व्याख्या ये कभी बंद नहीं होती है फिर से हुआ के प्रसाद को कहाँ रखेंगे निराला को इतना ऊपर कर दिया तो प्रसाद तो उनसे कम नहीं है दर्शन के रूप में भी निरा प्रसाद को देखिए वैचारिक रूप में भी प्रसाद को देखिए और विस्तार के रूप सभ्यता समीक्षा के रूप में प्रसाद को आप देख देखिए इतिहास बोध के रूप में आप प्रसाद को देखिए तो आपको लगेगा कि प्रसाद जैसा कोई छायावाद में लेखक ही नहीं है महादेवी वर्मा के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं और गद्य है और गद्य की जो भाषा है और जितनी आत्मीयता और उससे वो लिखती हैं कर्माहट से तो आपको लगेगा कि महादेवी वर्मा जैसी तो कोई लेखक छायावाद में तो आप कुछ भी करते रहें आप किसी को ऊपर चढ़ाएं किसी की उपेक्षा करें इससे साहित्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है और इसमें और अभी तो हमने क्या किया हुआ है जैसे वो समुद्र में से एक बूंद तक की जानकारी को लेकर के हम समझते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया है लगभग वैसी स्थिति हमारी हो जाती है साहित्य को देखते हुए भक्ति काल में चार लोगों को निकाल लिया और हो गया बाकी कहाँ गए बाकी सब कहाँ गए उन पर तो नजर ही नहीं जा रही रीतिकाल के बारे में हमारा वैचारिक जो मत है वो ये है अरे ये सब तो जो है श्रृंगार और ये सब करने वाले राजा रजवाड़ों के जो है उसके बारे में लिखने वाले लोग थे श्रृंगारिक भावनाओं के बारे में उसके बारे में तो चर्चा ही हम लोगों ने पिछले पचास साल से बंद कर रखी है ऐसी खूबसूरत उनकी जो काव्य कला है जो छंद विधान है अलंकार विधान है और तो इसमें आज के नहीं आने वाली पीढ़ियों तक के भी लिए कितनी सीखने की बातें हैं जिनको आप रीतिकाल कर मान करके विकृत साहित्य करके छोड़े हुए हैं तो साहित्य में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं होती रहती इसलिए मुझे कभी ये बात जो है कि इसकी उपेक्षा उसने कर दी इसकी उपेक्षा इसने कर दी ये सब नाच गाने वाले लोगों का जो है ये ये सब सवाल होते हैं जो मंचों पर जाकर के नाच लिए गोष्ठियों में जा कर के जो है ये थोड़ा सा वाह कर दी या किसी को वो कर दिया इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं होता मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है कब कौन लेखक जिसमें दम है जिसकी रचना में जो है ये ऊर्जा है जिसकी रचना में जो ऊष्मा है कौन सा बीज जो है पृथ्वी के अंदर से फूट पड़ेगा और लोगों की उस पर नजर जाएगी आपको उसका पता ही नहीं चलता है। मुक्ति बोध मर गए थे उसके बाद उनका पहला काव्य संकलन निकला चांद का मुंह टेढ़ा है उसके पहले भी छोटी मोटी किताब एक दो आई थी किसी ने ज्यादा ध्यान उनका दिया नहीं लेकिन जब ये आया तो लोगों की निगाह पड़ी अरे ऐसा अद्भुत कवि जो है ये हमारे बीच से चला गया और हम सब लोगों को पता ही नहीं चला हम लोग तो ये भी जल्दी थी किसी ने तो कहा है अपार काव्य संसार मतलब इस संस अपार जो ये परंपरा है काव्य की या साहित्य की इसमें कभी ना कभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो कोई होगा एक पाठक जो मेरी रचनाओं को पढ़ेगा और सराहेगा तो ये हजार साल तक जो है ये साहित्य को पढ़ने और पढ़वाने की प्रतीक्षा करने वाला जो ये आ, है विचार है साहित्य को उस तरह से देखा जाना चाहिए हम लोग जो है अपने जीते जी अमीर अमरता की जो सपने देख रहे हैं अमरता के जो है आ, चाहते हैं कि हम हमारे सामने ही सब कुछ हो जाए जीते जी ही हम अम, अम, अमर हो जाए अरे भैया अमर होने के लिए तो मरना पड़ता है पहले तो मरो उसके बाद ही अमर हो सकते हो तो ये जो उपेक्षा वाली जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि जायसवाल जी का वो सब आ, मैं जब देख रहा था तो उसमें पाठकों का जितना प्रेम उनको मिला पाठकों का जितना प्रेम उनकी कहानियों को पहली कहानी से जो धर्मयुग में जो जिसका जिक्र होता है और हजारों पाठकों के जो है जो पत्र आने शुरू हो गए और संपादक को ये कहना पड़ा कि अब उनके बारे में कोई पत्र हम जो है ये नहीं रिसीव करेंगे कृपया बंद कीजिए इतना स्नेह इतना प्रेम और इतनी पठनीयता जिस लेखक की हो उसके बारे में आप कह रहे हैं उपेक्षा हो गई किसने किस कहाँ से उपेक्षा हो गई आप केवल कुछ गिने चुने जो साहित्य जगत के एक छोटे से वो होते हैं कि एक किताब छपी और पढ़ने वाला उसको कोई नहीं है दस साल में मतलब ये जैसा जो बड़ा लेखक हमारे यहाँ दस साल बाद जब किताब का दूसरा संस्करण छपने लगा तो उसको ये कहना पड़ा कि ये किताब जो है दस साल तक जो है अब पुणे छपने की नौबत आई है तो जिस लेखक को इतना स्नेह इतना प्यार पाठकों से मिला है उसको उसके संदर्भ में तो वैसे ही उपेक्षा की बात जो है मुझे बेमानी लगती है ये ठीक है कि हिंदी का जो आलोचना जगत है समीक्षा जो जगत है वो काफी तिकड़मों से भरा हुआ जगत है ये ठीक बात है तिकड़मों से भरा हुआ जगत का मतलब उसमें बहुत परस्पर संपर्क आपस के लेन देन एक दूसरे से निवाह करने वाली सारी चीजें चलती हैं उसमें अगर ऐसे लेखक को दरकिनार करके बात की जाए तो समझ में आती है बातें समझ में आती हैं आज हम यहां बैठे हुए हैं सबसे बड़े समीक्षक अभी कुछ पह, कुछ साल पहले तक जीवित थे डॉक्टर नामवर सिंह पूरा हिंदी जगत ये मान करके चलता रहा कि नामवर सिंह जी जिसको उठा दे वो तो अमर हो गया और जिसकी चर्चा न करें वो तो साहित्य से गुम हो गया उनकी जो मौलिक पुस्तक जिसको माना जाता है एकमात्र मौलिक पुस्तक है वो नामवर सिंह जी की बाकी तो उनका शोध प्रबंध है कुछ जो है और इंटरव्यू हैं और भाषण वगैरह है लेकिन पुस्तक के रूप में जो लिखी गई पुस्तक है वो कविता के नए प्रतिमान 20 साल तक हिंदी जगत उस पुस्तक की स्थापनाओं पर बहस करता रहा विमर्श करता रहा उसके पक्ष में और उसकी आलोचना में लिखते रहे बटा रहा और 20 साल बाद 20 साल बाद नामवर जी ने कहा कि ये पुस्तक तो मैंने साहित्य अकादमी का पुरस्कार लेने के लिए एक महीने के अंदर मांग पर लिखी थी इसमें कोई ऐसी बात मैंने कही नहीं है अब बताइए क्या कहेंगे आप उसको खुद लेखक ये कह रहा है तो ये मैं केवल जो हमारे यहाँ मूल्यांकन और आलोचना की जो असलियत है अभी तक जो असलियत है उसको बताने के लिए कह रहा हूँ इसलिए उसको बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है साहित्य का मूल्यांकन जो है ये समय से होता है और सबसे बड़ा मूल्यांकन करने वाला तो पाठक होते हैं जो साहित्य को पढ़ते हैं और मैंने कहा कि पाठकों का इतना स्नेह जयसवाल जी को मिला है शायद ही किसी और लेखक को इतना वो मिला हो प्रेमचंद और रेणु और इन दो चार लोगों को छोड़ कर के यहाँ हम पूर्णिया में हैं और रेणु जी का जिक्र आए बिना तो रह नहीं सकता है <laughs> क्योंकि रेणु को भी प्रेमचंद की परंपरा में हैं, लोग मानते हैं यहाँ उनके बारे में कुछ नहीं रेणु ने साहित्य पाठकों को साहित्य से जोड़ा जो मन लोगों का व्यक्तिवादी जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हिंदी में चली उनसे जो पाठकों का मन साहित्य से उचट गया था उसको फिर से रेणु जी की जो रसिकता है जो पठनीयता है और उसमें जो आ, उस रोमांटिकता है उसने पाठकों को फिर से साहित्य से जोड़ा ये ठीक बात है कई लोग कहते हैं कि जायसवाल जी जो है ये आ, और रेणु लगभग एक ही उसमें आते हैं एक ही अंचल के हैं और एक ही अंचल के जीवन के बारे में लिखते हैं लेकिन नहीं रेणु के उपन्यास जब पहले आए थे मेला अंचल और परिति दो बड़े उपन्यास हैं प्रति परिकथा तो उनको अद्भुत उपन्यासों की संज्ञा जो है ये हिंदी में दी गई थी तो न भविष्य तो उसी बीच में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उस, उनकी समीक्षा करते हुए लिखा कि इसमें खूब रोमांटिकता है जीवन के प्रति एक रोमानी दृष्टिकोण है और मेला आंचल में वो जो डॉक्टर प्रशांत में जो आदर्शवाद है और रोमांटिकता है और ये सब चीज़ें हैं और जमींदार की जो लड़की है उससे प्रेम प्रेम प्रसंग वगैरह आए हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो सामंती तत्व हैं गांव में जो सामंती है, प्रभाव हैं सामंती दृष्टिकोण है वो उसको लोग किसानों के शत्रु के रूप में देखते हैं शत्रु के रूप में लेते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसानों से भी प्रेम हो और सामंतों से भी प्रेम हो और सामंतों से भी आप प्रभावित हों और किसानों के इससे भी प्रभावित हों तो उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया कि इसमें ऐसी प्रवृत्तियों का भी समर्थन दिखाई पड़ता है या प्रभाव दिखाई पड़ता है जो नहीं होना चाहिए था और उन्होंने एक टिप्पणी और की कि जिन दुर्गुणों का प्रभाव मेला आंचल में कम था प्रतिपरिकथा परिकथा में वो प्रभाव जो है कई गुना वेग से बढ़ गया है तो अब इस तरह की चीज़ें जो क्यों क्यों ऐसी चीज़ें ये रोमांटिक हों ऐसा नहीं है कि रेणु जो है ये जानते नहीं थे फिर कई बार उसमें चीज़ें जो है मज़ाक के स्तर पर दिखाई पड़ती हैं जो सामान्य जन हैं जो पीड़ित हैं जो गरीब हैं तो कई बार ये उनका लहजा है ये उनकी शैली है इसमें कोई वैसी बात नहीं है तो उसमें ऐसा लगता है कि वो आम जन के जीवन का आम लोग पात्रों का मज़ाक उड़ा रहे हैं ये लग सकता है कई लोगों रामविलास जी ने कहा है कि मजाक ऐसे ही नहीं है आम जन के बारे में जब आप मजाक की अंदाज में बात करते हैं तो उस जीवन को कहीं ना कहीं जो है सम्मान की दृष्टि से आ, देखना शुरू कर ऐसी चीजें भी हुई हैं ऐसी समीक्षा और आलोचना में ये चीज़ें सामने आई हैं जिसको नज़रअंदाज करना जो है ये ठीक नहीं है उसको इसके बाद जो बौद्धिकता है देखिए हमारे देश में जिनको हम बुद्धिजीवी कहते हैं ये बुद्धिजीवियों ने अपने आप को इस हद तक अविश्वसनीय बनाया है सत्तर साल में अविश्वसनीय आप जो है जो बात कहते हैं उसका उल्टा ये जनता क्यों करती है कभी इस पर सोचने की जरूरत नहीं समझी किसी ने भी सोचने की जरूरत नहीं समझी आप कहते हैं कि आज ये जनतंत्र की हत्या हो रही है और जनतंत्र की के उसमें उस समारोह में ये जनता शामिल है आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है आप कहते हैं कि ये सत्ता जो है ये जनविरोधी है और जनता जो है उस सत्ता को पुनः स्थापित करने की तरफ बढ़ रही है तो कभी इस बात की आत्मालोचना करते हुए सोचने की जरूरत तो होनी चाहिए कि जनता जो है इसके बीच में हम इतने अविश्वसनीय कैसे हो गए इतने अविश्वसनीय कैसे हो गए वही बात है विचार के अंदर कैद होकर के अगर आप जीवन को देखेंगे तो लोगों से आपके संपर्क सूत्र जुड़ नहीं पाएंगे लोग आपको अविश्वसनीय समझेंगे के लिए वो उतने बुरे नहीं हैं ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया तो हमारे यहां जो बुद्धिजीवियों ने अपनी विश्वसनीयता इस बीच में खोई है उसका उनका संपर्क लगभग टूट गया जीवन से उनका संपर्क लगभग टूट गया केवल विचार में बंद होकर के टिप्पणियां करते जाना और मूल्यांकन करते जाना और फतवे देते जाना यहाँ तक सीमित होता गया लोगों के जो वास्तविक जीवन है उस पर उनकी पकड़ जो है इस सत्तर साल में काफी कमजोर होती गई है इस संदर्भ में जायसवाल जी के साहित्य को देखना चाहिए वो पाठक जनवाद के नाम पर प्रगतिशीलता के नाम पर यथार्थवाद के नाम पर आप सब कुछ पाठक को कह रहे हैं दे रहे हैं और वो उसको ना पढ़ने के लिए तैयार है ना उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है तो उसकी कसौटी ये है कि आपकी जनजीवन पर पकड़ है ही नहीं आप केवल अपने विचार में बंद हैं जायसवाल जी के साहित्य में ये चीज़ हुई है जन जीवन के प्रति जो उनकी मूल संवेदना है मानवीय जो संवेदना है उससे कभी रिश्ता टूटा ही नहीं केवल वही संबल रहा और कोई चीज संबल बनी ही नहीं इस बीच में लोगों ने संगठन ज्वाइन किए और संगठन से नाम कमाया और संगठन से प्रसिद्धि पाई इस बीच में लोगों ने बहुत सारे विमर्श चलाए चाहे वो आधुनिकतावाद का विमर्श हो उत्तर आधुनिकता का विमर्श हो और आजकल तो नए नए रोज बदलते हैं उससे बड़ी प्रसिद्धि पाई ऐसा लगने लगा कि इससे बड़े कोई लेखक जो है हमारे बीच में है ही नहीं एक जमाना था जब ये नई कविता और प्रयोगवाद और ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी तो इलाहाबाद में ही एक गुट था सब लोग जानते होंगे परिमल नाम से उसको सब लोग जानते हैं पत्रिका भी निकलती थी गोष्ठियाँ भी होती थी साहित्य भी और ऐसा लगता था कि इसमें जो शामिल लेखक हैं वही हिंदी के सबसे बड़े लेखक हैं आज सब आज केवल आलोचक होने के नाते समीक्षक होने के नाते हम उनके नाम जानते हैं लेकिन आम लोग जो है वो जानते ही नहीं कि ये भी लेखक हमारे हिंदी में हुए हैं तो ये जो असल चीज़ जो है या विचार के आधार पर किसी ने मार्क्सवाद पकड़ लिया किसी ने प्रगतिवाद पकड़ लिया किसी ने जनवाद पकड़ लिया उसके आधार पर जो है क्योंकि सभी जनवादी थे सभी प्रगतिशील थे सभी मार्क्सवादी थे तो ऐसा माहौल बना लगने लगा कि केवल ये लेखे लेखक ही प्रासंगिक हैं लेकिन बाद में हम लोगों ने पाया कि उसमें कुछ एक लोग जो है वो प्रासंगिक थे बाकी के साथ का कोई महत्व तो नहीं था किस आधार पर जिन कर, जिन जिनकी जीवन पर पकड़ नहीं थी केवल विचार जानते थे जिनकी जीवन के प्रति जो गहरी आत्मीयता और संवेदना से उसका वर्णन नहीं था साहित्य में तो ये सारी की सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं आने वाले लेखक जो है इस सबसे सीख सकते हैं जायसवाल जी के साहित्य में वो चीज़ है उससे ये साहित्य पाठकों के लिए या भावी पीढ़ी के लिए कभी भी अप्रासंगिक होने वाला है ही नहीं जैसे जैसे समय बीतेगा हम देखते जाएंगे कि इस साहित्य का मूल्य जो है पाठकों की निगाह में और साहित्य जो क्षेत्र है और अंततः जो आलोचना का मूल्यांकन का क्षेत्र है उसमें और बढ़ेगा ही तो ये सब चीज़ें कुछ एक चीज़ें मैं आपसे संक्षेप में सूत्रों में कहना चाहता था तो वो मैंने कही और हम लोगों को शुक्रगुज़ार होना चाहिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली भी हैं कि ऐसे कुछ एक लेखक हमारे बीच में हैं जिनमें से प्रमुख नाम तो अभी जायसवाल जी का ही दिखाई पड़ता है जो साहित्य की उस लीक को आ, आगे बढ़ा रहे हैं नई जमीन तोड़ रहे हैं नए नए अनुभव दे रहे हैं नई नई कला कला से उसको समृद्ध कर रहे हैं जो प्रेमचंद ने हम लोगों को दी थी आलोचना के लिए तो कोई चीज़ जो है देखिए बची नहीं है एक उपन्यास आप सब लोगों ने पढ़ाई होगा और बड़ा प्रसिद्ध भी हुआ राग दरबारी श्री लाल शुक्ल जी का है और इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के जीवन को लेकर के लिखा है लेकिन लग, लोगों को लगता था कि इसकी तो कोई आलोचना हो ही नहीं सकती है इसमें जीवन का जो स्वरूप उभरता है हमारे वहाँ जामिया मिलिया में एक छात्र ने छात्र या छात्रा ने शोध किया शोध किया हिंदी साहित्य में जो विकलांग हैं विकलांग मतलब आँखों आँखों से हाथ पैरों से या शरीर के दूसरे अंगों से उसकी विकलांगता विकलांगों के बारे में हिंदी साहित्य की विकलांगता पर उसने शोध किया और उसमें श्रीलाल शुक्ल को इसके लिए दोषी पाया के विकलांगों के प्रति उनका जो अमानवीय दृष्टिकोण व्यक्त होता है उसको अब आलोचना से परे तो कोई नहीं है ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिनों तक आप अपनी संवेदना को और असंवेदना को लोगों से छुपाए रह सकते हैं या बचाए रह सकते अगर उसमें कहीं भी कोई कोताही हुई है कहीं भी आपने लोगों पर व्यंग किया है शरीर के विकलांगता को देखते हुए तो लोगों को एक ना एक दिन उसके बारे में पता लगेगा ही और उसको कहा भी जाएगा तो ये सारी आलोचना इसलिए मैंने कहा असल चीज अगर संवेदना को कोई लेखक पकड़े रहेगा मानवीय संवेदना और मानवीय गरिमा अगर इसको छोड़ेगा नहीं तो किसी भी परिस्थिति में किसी पाठक को या किसी समीक्षक को ये गलतफहमी नहीं हो सकती है कि आपका दृष्टिकोण इस मामले में अमानवीय है प्रेमचंद की राय साहब के बारे में सहानुभूति सहानुभूति से उसका चित्रण करते हुए भी कोई ये नहीं कह सकता है कि प्रेमचंद राय साहब के जो वर्ग है उसके साथ खड़े हुए हैं धनिया को गाली देने के बाद भी पिटाई करने के बाद भी कौन होगा जो ये कह सकता है कि प्रेमचंद जो है ये नारियों को बहुत हे दृष्टि से देखते हैं या उनकी ऐसी दुर्गति जो है वो इस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं क्योंकि मूल संवेदना प्रेमचंद की हर आदमी जानता कफन के बारे में इतना विमर्श होने के और इतनी आलोचना भयंकर आलोचना होने के बाद भी कोई आदमी ये कहना कह कह सकता है कि प्रेमचंद जो है ये दलित विरोधी थे दलितों के विरोध में थे क्योंकि मूल संवेदना प्रेमचंद की चाहे ये कहानी हो चाहे बाकी इसकी सारी कहानियाँ हो उसमें दलितों के प्रति एक ममत्व का दृष्टिकोण रखती हैं सहानुभूति का दृष्टिकोण रखती हैं पक्षधरता का दृष्टिकोण रखती हैं तो इस संदर्भ में हम लोग जब जयसवाल जी के संपूर्ण कथा साहित्य की चर्चा करेंगे तो ये सारे के सारे बिंदु उसमें आएंगे और ये आलोचना का एक नए मूल्यांकन की शुरुआत होगी इसी शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये सब गंभीर बातें सुनी धन्यवाद आपने चंद किशोर जैसवाल जी की रचना संसार में मानवीय संवेदना को महत्व देकर कमोवेश हिंदी साहित्य के लेखकों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी अब मैं वक्तव्य की अगली कड़ी में डॉ गुलाबचंद यादव जी को आमंत्रित करती हूँ जो कि मुंबई विश्वविद्यालय से 2019 में चंद्रकिशोर जायसवाल के कथा साहित्य का समाजशास्त्रीय अनुशीलन शीर्षक पर शोध कार्य पूरा किया है साथ ही ये आईडीबीआई बैंक मुंबई स्थित प्रधान प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक राजभाषा के पद से अप्रैल 2023 में सेवा में सेवानिवृत्त हुए हैं सर आएँ और अपना वक्तव्य दें आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार चौधरी साहब और हमारे अभी आपने सुना बीज वक्तव्य देने वाले प्रख्यात आलोचक कर्ण सिंह चौहान साहब हमारे आज के इस समारोह कार्यक्रम की सम्मान मूर्ति आदरणीय और हम सब के बहुत ही प्यारे अजीज जीतेरे कथाकार श्री चंद्र किशोर जायसवाल जी राजेश मिश्र जी और यहाँ उपस्थित वक्ता और श्रोता आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ मैं पूर्णिया की भूमि को और इस आ, कोशी अंचल के क्षेत्र को प्रणाम करता हूँ इस शहर में मेरी ये तीसरी यात्रा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे पल ऐसे आयोजन का साक्षी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि लहक परिवार की ओर से आप जानते हैं लहक पत्रिका जो कलकत्ता से निकलती है और लहक डिजिटल जो एक यूट्यूब चैनल है और उन उन्होंने हमारे आदरणीय श्री चंद्रकिशोर जायसवाल जी को सम्मानित करने का इस शहर में जो निर्णय लिया मैं इसका गवाह बनना चाहता था और मेरा सौभाग्य है कि ट्रेन ने दया की और पहुँचा ही दिया अन्यथा शायद ये संभव न हो पाता जैसा कि बताया गया मेरे परिचय में कि सुधिजनों जनों मैं मुंबई से हूँ और एक चीज़ और मैं जोड़ दूं कि मैं भी गैर अकादमिक क्षेत्र से आता हूँ मैंने बैंक में सेवा की है मैं एक आम पाठक हूँ वो भी पूर्णकालिक नहीं अंशकालिक मुंबई में रहने वाले लोग यदि आपके आ, कह लीजिए कि परिवार के लोग या सगे संबंधी रहते होंगे तो आप जानते होंगे कि मुंबई की ज़िंदगी जो है कैसी होती है अगर बहुत संक्षेप में जानना जानना हो तो जायसवाल जी की कुछ कहानियों में और जो है माँ उपन्यास में जो है मुंबई की भागदौड़ का बड़ा ही सुंदर और व्यंग्यात्मक चित्रण है इन्होंने 1970 के दशक के शुरुआती हिस्से में लिखा था लेकिन आज 2023 के अंत में भी वही दशा है मुंबई की वही भागदौड़ है वही मशीनीकरण है वही तमाम तरह की जो है यंत्रवत जिंदगी है मुंबई के बारे में इसलिए जो है आ, बड़े व्यंग में कहा जाता है कि ये वह शहर है कि जुबह पर आने से पहले सोचती है बात भी दिन तो दिन है या दोस्त यहाँ भागती है रात भी तो मैं उस दौड़ते भागते लेकिन फिर भी कहते हैं लोग उस सपनों का महानगर है वहाँ से आया हूँ और आप लोगों के समक्ष जो है एक पाठक के रूप में मैंने चंद्रकिशोर जायसवाल जी को क्या जाना क्या पाया वो मैं अपनी राय यहाँ रखूँगा आज की संगोष्ठी का विषय के तीन मूल तत्व हैं लोक साहित्य में लोक या लोक और साहित्य भाषा और तीसरा है कि ये दोनों कलीजी मानकों के बरक्स हमारे चंद्रकिशोर जायसवाल जी का साहित्य जो है इस पर मैं बेहद आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा मेरा लिखा हुआ एक छोटा सा अभिपत्र है जैसे मैंने कच्चा पक्का तैयार किया है और मैं सब लोगों के सुधीर जनों के समक्ष इसको पेश कर रहा हूँ लोक अर्थात जन सामान्य और साहित्य अर्थात इस जन सामान्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति लोक साहित्य किसी भी समाज वर्ग या समूह के सामूहिक जीवन का दर्पण होता है लोक साहित्य में सामूहिक चेतना अनुभवों संवेदनाओं का चित्रण होता है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के अनुसार जन साहित्य या लोक साहित्य उन समस्त परंपराओं मौखिक तथा लिखित रचनाओं का समूह है जो किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा निर्मित तो हुआ है परंतु उसे समस्त जन समुदाय अपना मानता है इस साहित्य में किसी जाति समाज या एक क्षेत्र में रहने वाले सामान्य लोगों की परंपराएं आचार विचार रीति रिवाज हर्ष विषाद आदि समाहित रहते हैं इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य लोक चेतना लोक मानस और लोक संस्कृति को केंद्र में रखकर रचा गया लोक संग्रही साहित्य है दूसरे शब्दों में साधारण जनता से संबंधित साहित्य को लोक साहित्य कहा जाता है सामाजिक व्याख्या और लोक साहित्य का यह गहरा संबंध है भारतीय समाज का ढांचा किस प्रकार का रहा है यह लोक गीतों लोक कथाओं और लोकोक्तियों से भली भांति समझ में आ जाता है लोक साहित्य में सामाजिक प्रथाओं परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों की जीवंत प्रस्तुतियां होती हैं व्रत त्योहार अनुष्ठान संस्कार आदि प्रथाओं का तो लोक साहित्य में भंडार है और एक कुशल रचनाकार समाज की इन प्रथाओं के आलोक में अपने समाज की सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं को उद्घाटित करने का प्रयास करता है किसी भी देश के समाज और संस्कृति से परिचित होने के लिए लोक साहित्य अथवा लोकोन्मुखी साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है लोक साहित्य मानव जीवन के आदिम रागों के साथ चलने वाला साहित्य है जो अपनी समकालीन परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है वाल्ट हीटमैन ने अपनी काव्य पुस्तक लीव्स ऑफ ग्रास की भूमिका में लिखा है एक लेखक की आत्मा अपने देश की चेतना का प्रतिनिधित्व करती है जो लोक जीवन से ही जुड़ी होती है एक लेखक अपने देश के लोक जीवन के साथ-साथ उसकी भौगोलिक भौगोलिक स्थितियों प्राकृतिक जीवन नदियों पहाड़ों और झीलों से अपने को एकाकार कर देता है कहने का अर्थ यह है कि सच्चा लेखक अपने देश के लोक जीवन और प्राकृतिक जगत को अपने साहित्य सृजन के लिए आधारभूत सामग्री के रूप में ग्रहण करता है हमारा देश मूलतः कृषि प्रधान देश है और आज भी हमारे देश की लगभग पैंसठ प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है आजादी के पहले रचे गए हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों में जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से आपको बताया प्रेमचंद जी की कहानियों के बारे में प्रेमचंद के उपन्यासों एवं कहानियों में आम जन या जन सामान्य के सुख दुख अभावों सामाजिक कुरीतियों आदि का यथार्थ है प्रेमचंद के बाद ग्रामीण जीवन और जन सामान्य का जीवन हिंदी कहानी में लंबे समय से उपेक्षित था आजादी के बाद लिखी गई अधिकांश कहानियां और उपन्यास केवल शहरी मध्य वर्ग तक सिमट कर रह गए थे तथापि इस दौर में भी नागार्जुन फड़ेश्वर नाथ रेणु उदय शंकर भट्ट शिवप्रसाद मिश्र रुद्र रांगे राघव देवेंद्र सत्यार्थी विजयदान देथा डॉक्टर राही मासूम रजा जैसे कथाकारों ने आम जन को अपनी रचना रचना धर्मिता के केंद्र को के केंद्र में रखकर लोकोन्मुखी साहित्य का सृजन किया था पिछले तीन चार दशक के दौरान हिंदी में राम दस, दरस मिश्र शिवप्रसाद सिंह काशीनाथ सिंह संजीव चंद्र किशोर जायसवाल शिवमूर्ति कमलाकांत त्रिपाठी मैत्रेई पुष्पा चित्रा मुदगल, मारकंडे ओमप्रकाश वाल्मीकि रामधारी सिंह दिवाकर अनुपलाल मंडल मिथिलेश्वर अरुण प्रकाश अवधेश प्रीत मधुकर सिंह डॉक्टर मधुकर गंगाधर ऋषिकेश सुलभ हरिमोहन झा जयनंदन सुभाष चंद्र कुशवाहा आदि तब ये सूची बहुत लंबी है मैंने कुछ थोड़े से नाम जो है यहाँ लिखे हैं आदि ने आम जन अर्थात लोक से जुड़े मुद्दों लोक चेतना और आम जन की समस्याओं एवं आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर अपने उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की है चूँकि मैंने चंद्र किशोर जायसवाल जी के कथा साहित्य का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है इसलिए इनके कथा साहित्य को लोक और लोक भाषा के नज़रिए से देखने परखने के बाद अपने कुछ विचार आप सबके सामने रखना चाहूँगा चंद्रकिशोर जायसवाल जी के लगभग सभी उपन्यासों में बिहार विशेष रूप से कोसी अंचल के ग्रामीण परिवेश की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर बड़ी गहरी पर बड़ी गहराई से प्रकाश डाला गया है आपने अपने लेखने के जरिए ग्राम्य जीवन के ऐसे यथार्थ पर चित्र प्रस्तुत किए हैं जो पाठकों की स्मृतियों में लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं आप निश्चित रूप से प्रेमचंद जी के की परंपरा के सशक्त हस्ताक्षर हैं क्योंकि आपके कथा साहित्य में भी आदर्शनुमुख यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया गया है आप मूलतः ग्रामीण परिवेश को अपने कथा साहित्य के केंद्र में रखते हैं इसलिए आपके साहित्य में महानगरी परिवेश का चित्रण अपेक्षाकृत कम हुआ है तथापि माँ सात फेरे पलटनिया और शीर्षक जैसे उपन्यासों तथा कोट रिश्ता मेट्रीमोनियल तस्वीर और मन मानबोध बाबू जैसी कुछ कहानियों में मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों तथा पटना लुधियाना जैसे अन्य बड़े शहरों में रोजी रोटी कमाने के लिए प्रवसित आमजन के जीवन का भी यथेष्ट चित्रण हुआ है चंद्रकिशोर जायसवाल जी संघर्षरत आम आदमी के सुख दुख के कुशल चितेरे कहे जा सकते हैं जिनके कथा साहित्य में मानव जीवन की लगभग सभी समस्याओं का चित्रण और विश्लेषण किया गया है मानव जीवन का शायद ही ऐसा कोई पहलू होगा जिसका निरूपण और चित्रण आपके कथा साहित्य में न हुआ हो आपके उपन्यासों और कहानियों में वर्णित ग्रामीण समाज के निम्न वर्ग की समस्याएं पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं आपने समाज के हाशिए पर रह रहे निम्न वर्ग के लोगों के अभाव और समस्याओं की झांकी प्रस्तुत करने के साथ साथ उनकी विडंबनाओं का भी चित्रण किया है। वस्तुतः यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि श्री जी के कथा साहित्य में हमारा भारतीय लोक जीवन अपनी विराटता और संपूर्णता के साथ रूपायित हुआ है इसके साथ ही आम लोग जन में अपने अधिकारों के प्रति आ रही जागरूकता और हर प्रकार के शोषण एवं अन्याय के प्रति समाज के दबे कुचले वर्ग का खुलकर विरोध विश्वसनीयता और सामायिकता उनके साहित्य को प्रदान करता है इनके कथा साहित्य को अपने कथा साहित्य में लोक जीवन की झांकी प्रस्तुत करते समय चंद्रकिशोर जायसवाल जी द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृत वर्णन पाठकों को चमत्कृत करते हैं लोक गीतों लोक कथाओं बेलों पर्व त्योहार उत्सवों आदि का चित्रात्मक वर्णन आपके कथा साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है कोशी अंचल के पूजा पर्व त्योहारों और मैथिली भाषा के लोकगीत पाठकों को एक अलग ही रस का आस्वाद कराते हैं बिहार विशेष रूप से कोशी अंचल की ग्रामीण संस्कृति अपनी अनूठी विशेषताओं और स्थानीय छटा के साथ आपके कथा साहित्य में व्यक्त हुई है विभिन्न अवसरों पर आयोजित होने वाले मेलों का श्री जायसवाल ने बड़ी सूक्ष्मता और विशदता के साथ प्रभावशाली वर्णन किया है रोजमर्रा के जीवन से ऊबे पाठकों के लिए इस प्रकार के मेलों का सजीव और रोचक चित्रण कुछ समय के लिए उनके मस, मानसिक तनावों और चिंताओं को ही कम नहीं करते बल्कि उन्हें गांव की परंपरागत प्रथाओं और लोक संस्कृति से भी परिचित कराते हैं ग्रामीण पात्रों अर्थात आम लोक जीवन की ओर चंद्रकिशोर जायसवाल जी की संवेदनशील दृष्टि और करुणा ने आपको हिंदी कथाकारों की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करने में विशेष रूप से योगदान दिया है अपने जीवन के संघर्षों अनुभवों वेदनाओं अभाव संतराश एवं भेदभाव आदि को आपने अपने उपन्यासों और कहानियों की कथा वस्तु बनाया है ग्रामीण और, और यथार्थ परकता के साथ संभवतः इसलिए चित्रित हो सके हैं क्योंकि यह लेखक का अपना देखा भोगा यथार्थ है ग्राम्य जीवन ग्राम प्रकृति गांव की नदियां नाले पोखरे तालाब खेत सिवान फसलें खलिहान वर्षा सूखा बाढ़ भुखमरी बेरोजगारी बेकारी बेगारी निर्धनता आदि कोई भी पक्ष आपके कथा साहित्य की परिधि से नहीं छूटा है आपकी कथात्मक कृतियां हिंदी कथा साहित्य की मूल्यवान निधि हैं जिनको विभिन्न स्तरीय पाठ्यक्रमों में शामिल करने के साथ साथ व्यापक स्तर पर पढ़ा और गुना जाना अपेक्षित है या मेरा कहने का आशा यह है कि अभी कर्ण सिंह साहब ने कहा कि हमें आलोचना या समीक्षा या उपेक्षा नहीं हो रही है या हो रही है इस पर गौर नहीं करना चाहिए या हमारा विनम्र सुझाव ये है कि अगर किसी अच्छे साहित्यकार का साहित्य अगर स्कूलों महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में अगर उसे स्थान नहीं दिया जाएगा तो इसका आने वाली पीढ़ी या जो पीढ़ी पढ़ाई कर रही है वो उससे कैसे जो है अवगत हो सकेगी यहाँ पर एक विशेष रूप से जो है ये अपेक्षित है शुरुआत हुई है कुछ विश्वविद्यालयों ने जो है अपने पाठ्यक्रम में ये, ये इनकी रचनाओं को जो है शामिल करना शुरू किया है ये शुभ संकेत है हम ये कामना करेंगे दुआ करेंगे कि ये सिलसिला और भी आगे बढ़े और भी ज़्यादा जो है सिर्फ पाठक तक ही सीमित न रहे अकादमिक फील्ड में भी जाए और अगर समीक्षक लोग न्याय करें तो और भी बेहतर होगा सोने में सुहागा होगा जी आइए अब भाषा की सत्ता के परिप्रेक्ष्य में भी श्री जायसवाल के कथा साहित्य की विशेषताओं के को संक्षेप में जानने समझने का प्रयास करते हैं समाज और साहित्य के अंतर संबंध को भाषा के माध्यम से जाना जा सकता है निजी अनुभवों सामाजिक समस्याओं एवं उपलब्धियों को भाषा के माध्यम से ही समाज तक पहुंचाया जाता है साहित्य की भाषा जन भाषा से ही प्रसूत होती है अतः साहित्य की भाषा जितनी अकृत्रिम और जीवंत होगी वह यथार्थ को अभिव्यक्त करने में उतनी ही सक्षम और कारगर सिद्ध होगी श्री जायसवाल ने अपने कथा अपनी कथा भाषा को स्वयं रचा बुना और गढ़ा है और हमारे डॉक्टर विनय कुमार चौधरी साहब की भी मान्यता है कि उन्होंने अपनी कथा भाषा को खुद रचा बुना और गढ़ा है आप अपने उपन्यासों एवं कहानियों में कथा वस्तु की आंतरिक मांग को ध्यान में रखते हुए पात्रानुकूल भाषा व्यंगात्म, व्यंगात्मक व्यंग्यात्मक भाषा ग्रामीण भाषा बिंबों एवं प्रतीकों से युक्त भाषा आदि का सहारा लेते हैं लोक संग्रही चेतना और लोक संस्कृति के कुशल चितेरे श्री जायसवाल ने अपने कथा साहित्य में मुहावरों कहावतों लोकोक्तियों और लोकगीतों आदि का कुशलतापूर्वक प्रयोग कर अपनी अनुभूतियों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है उदाहरण के तौर पर आपके उपन्यास गैर गवाह गैर हाजिर का यह अंश देखा जा सकता है थोड़ी देर पहले आपने उस पर आधारित फिल्म का बोझ का कुछ अंश यहाँ पर आपने स्क्रीन पर देखा होगा उसी का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूँ उदाहरण के रूप में कि जब गाँव के ढेर सारे बूढ़े बुजुर्गों और परिचितों ने जले मन से ही सही किशु शाह को बार बार इस सफलता और सौभाग्य पर दाद देनी शुरू की कि उसने जीते जी बेटों के बीच बांट बखरा कर दिया कि बिना किसी सिर फुटअवल मुँह चुठवल लाठा लाठी और गुह गिंजन के सबको अलग अलग बिठा दिया कि अब बुढ़ापे में उन्हें मौज ही मौज है तो आंतरिक कष्ट के बावजूद किसी को खुश होने के सिवा और कोई चारा न था ये देखिए भाषा का लालित्य ये लोक की भाषा ये है वो भाषा नहीं जो महानगरों या बड़े शहरों के बंद कमरों में एसी में जो है कहानियाँ या उपन्यास लिखते हुए कृत्रिम रूप से लिखी जा रही हैं ये है लोक भाषा कहावतें और लोकोक्तियाँ मानव समाज की दीर्घकालिक मौखिक एवं पारंपरिक संपत्ति मानी जाती हैं सजग और माटी से जुड़ा कथाकार अपनी भाषा में रोचकता लालित्य और प्रौढ़ता लाने के लिए कहावतों एवं लोकोक्तियों का अनिवार्य रूप से प्रयोग कर, करता है चंद्रकिशोर जायसवाल जी अपने कथे ने अपने कथा साहित्य में मुहावरों के साथ साथ कहावतों और आंचलिक लोकोक्तियों का भी भरपूर एवं प्रभावी प्रयोग किया है वस्तुतः आपने आंचलिक परिवेश जीवन शैली और स्थानीय संस्कृति के चित्रण में जिस खूबी के साथ कहावतों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है वह पाठकों को विस्मय में डाल देता है उदाहरण के लिए आपके उपन्यास गवाह गैर हाजिर जो छोटा उपन्यास है तुलनात्मक रूप से आप जानते होंगे दो सवा दो सौ पेज का उपन्यास है आपके उपन्यास गवाह गैरहाजिर में प्रयुक्त कुछ लोकोक्तियों एवं कहावतों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ उदाहरण के तौर पर कि जिसमें है जैसे खेत खाए और मार खाए जुल्हा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम भागते भूत की लंगूठी सही जात भी गवाई और भात भी न खाया बजाज की गठरी का झीँगुर मालिक कभी घृत घना कभी मुट्ठी भर चना कभी वह भी मना काम न धंधा दाल भात बंधा दूल्हे को पत्तल नहीं बजनी को थाल दबी बिल्ली चूहे से कान कटवाती है एक चुप्पी सौ हराए सीधे का मुंह कुत्ता चाटे मेरी बिल्ली मुझसे ही मैं जाको राखे साइयाँ मार सकी हैं न मार सकी हैं कोई हनते को हनिए पाप दोष न गनिए। मियाँ की जूती मियाँ के सिर कमज़ोर काठ कीड़ा खाए जान बची और लाखों पाए आदि आदि चंद्रकिशोर जायसवाल जी भाषिक प्रयोग के प्रति बेहद सचेत रहते हैं और उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आपके उपन्यासों और कहानियों में सरल सहज रूप से गांव शहर की आम जनता द्वारा बोली जाने वाली हिंदी का संप्रेषणीय रूप मिलता है श्री जायसवाल जी आम जनमानस के रचनाकार हैं इसलिए आपकी रचनाओं की भाषा भी आम व्यक्ति जैसी ही है अर्थात सर्वसुलभ मोहक और व्यवहारिक निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि हिंदी के समकालीन कथाकारों में चंद्रकिशोर जायसवाल जी अग्रिम पंक्ति में स्थान रखते हैं आपका समग्र लेखन समाज सुधार और क्षमता मूलक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की अभिलाषा और आकांक्षा से प्रेरित है आपने अपने कथा साहित्य में सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक और धार्मिक संदर्भों का यथार्थपरक और गहन विश्लेषण किया है यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हिंदी कथा साहित्य के विकास और समृद्धि में श्री जायसवाल जी ने बहुमूल्य योगदान दिया है निश्चित रूप से सर आपका योगदान जो है कभी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी हमारा जो कहने चाहिए कि पाठक समुदाय है वो तो आपके साथ सदैव खड़ा है आगे भी खड़ा रहेगा और आपकी रचनाशीलता इसी तरह से आगे बनी रहे आपकी ऊर्जा इसी तरह से भरपूर कायम रहे यह हम सब आकांक्षा करते हैं दुआ करते हैं प्रार्थना करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से देव निर्भय देवयांश जी को धन्यवाद कि सर आपने जो है मेरा नाम सुझाया कुछ यहाँ बोलने के लिए एक पाठक को बोलने का मौका मिला आप प्रबुद्ध श्रोताओं साहित्यकारों के समझ इसके लिए मैं पुनः हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद धन्यवाद जायसवाल जी की रचनाओं में लोक चेतना और लोक संस्कृति के साथ भाषा का संक्षिप्त वर्णन सहज तरीके से दिया अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ जो कि एक वरिष्ठ कथाकार कवि हैं जो पूर्व में पूर्णिया महिला कॉलेज में प्राचार्य थे और वर्तमान समय में कटिहार महिला कॉलेज में कार्यरत हैं सर कृपया आइए अच्छा सॉरी सबसे पहले मैं शिल्पी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दो शब्द कहने का मौका दिया इसके बाद मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं देहरादून से आए देश के प्रख्यात समालोचक डॉक्टर कर्ण सिंह चौहान जी का जिन्होंने बीज वक्तव्य के रूप में अपना सार गर्भित व्याख्यान दिया और बताया कि कार्य के लिए मानवीय संवेदना का क्या महत्व है मैं आभार अभिनंदन करता हूँ बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर विनय चौधरी जी का वे चंद किशोर जायसवाल साहित्य के मर्मज्ञ हैं और मैं आभार अभिनंदन करता हूँ प्रसाल में बैठे तमाम विद्वत जनों का मित्रों हम लोगों के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है मैं आभा अभिनंदन करता हूँ विद्या विहार के प्रबंधक का भी जिन्होंने यह अवसर दिया कि साहित्य के आयोजन के लिए अपना प्रसाल हम लोगों को दिया मित्रों यह हम लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है जब मान बहादुर सिंह स्मृति सम्मान लहक की ओर से लहक पत्रिका के यशस्वी संपादक निर्भय देव्यांश जी और उनकी टीम की ओर से कोसी अंचल के रेणु के बाद सबसे बड़े साहित्यकार चंद्र किशोर जायसवाल जी को मिल रहा है मित्रों चंद किशोर जायसवाल जी लोक धर्मी चेतना के कथाकार हैं और मान बहादुर सिंह भी लोक धर्मी चेतना के मुखर कवि थे शफदर हाशमी की तरह मान बहादुर सिंह जिस कॉलेज में प्रिंसिपल थे कॉलेज जिन लोगों ने खोला था वे लोग उनसे नौकरी मांगने आए थे उनकी जाति के लोग थे लेकिन उन्होंने नौकरी देने से इनकार कर दिया और सरेआम लोगों के बीच उनकी बोटी बोटी काट कर वहीं फेंक दी गई और वो अपनी प्रतिबद्धता पर अपने उसूल पर कायम रहे ऐसे लोग धर्मी कवि प्रखर विचारक के नाम से लोक धर्मी चेतना के कथाकार जायसवाल जी को यह पुरस्कार मिल रहा है मुझे बेहद गौरव प्रतीत हो रहा है मेरे लिए यह सौभाग्य के क्षण है एक छोटी सी कविता मैन बहादुर सिंह की याद आ रही है उसका थोड़ा सा पाठांतर करूंगा एक शब्द का हेर फेर करके कि उनको सुरती तलब कर रही है ये मैन बहादुर सिंह की कविता है कि उनको सुरती तलब कर, उनको नहीं है वह दूसरा शब्द है लेकिन मैं जान कर कह रहा हूँ कि उनको सुरती तलब कर रही है उठ बैठते हैं मलते हैं खाते हैं दोबारा पिसाब करके आते हैं इस बार कान पर जनऊ चढ़ाना भूल जाते हैं भूल जाते हैं एकांत में ओढ़ी हुई नैतिकता वैसे कान पर जनऊ चढ़ाकर कोई दूध नहीं मोतता ये व्यंग हमें धूमिल की कविताओं का जो तेवर है वैसा ही लगता है और कुछ कुछ जब हम हिंगवा घाट में पानी री कहानी को पढ़ते हैं तो भंटा जब कहता है ये आज़ादी की लोकसत्ता से हमारा मोह भंग किस तरह होता है कहता है हिंगवा में पुल तो नहीं ही बनेगा ये मैं भी जानता हूं अब वहां दिल्ली से लोग आए थे गांधी बाबा का नाम ले रहे थे तो दे दिए पैसा बिगौर कह है रहे हैं मजाक काय है कर रहे हैं मित्रों कायदे से मैं अगर अपनी बात रखना चाहूं तो लोक साहित्य लोक की चित्रवृत्तियों का संग्रह है लोक और शास्त्र में द्वंद्व होता है मुझे लगता है यह मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि लोक हमेशा शास्त्र का अतिक्रमण करता है शास्त्र स्टेट की तरह रूल करता है हिंदी में जब आप सूर कबीर तुलसी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस समय की परिनिष्ठित भाषा में साहित्य की रचना करना कर उन्होंने लोक जीवन की भाषा में साहित्य की रचना की क्योंकि लोक जीवन का साहित्य लोक भाषा में रचा जा सकता है जनता के दुख दर्द को जिस तरह से पकड़ा जा सकता है लोक भाषा में शायद पर भाषा में थोड़ी सी दूरी हो जाए हम लोग जानते हैं कि रेणु का लोक मेरीगंज है और माला अंचल के कंटेंट में जो रंजकता वहां की भाषा भरती है अगर उस भाषा का प, उस कृति का परनिष्ठित हिंदी में अनुवाद कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि मैला आंचल का जो प्रभाव है वह बिखर जाएगा वो उसकी लोक भाषा का प्रभाव है जो कथ्य को रंजक रूप देता है मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोक धर्मी चेतना के सबसे मुखर कथाकार जो 80 वर्ष की उम्र में है चंद्र किशोर जायसवाल जी उनको लहक सम्मान मिला है मैं मुख्य अतिथि जी की बात से सहमत हूं कि साहित्य में किसी की उपेक्षा नहीं हो सकती क्योंकि साहित्य में लिखने वाले के लिए सबसे बड़ी पूंजी उनके पाठक हैं चंदकिशोर किशोर जायसवाल जी की के कथा साहित्य का रेंज जितना बड़ा है उनके पाठक इतने हैं उन्हें लोकप्रियता इतनी मिली है फिर यह उपेक्षा की बात क्यों लेकिन जब अस्सी वर्षों के बाद राजकमल से उनका पहला संग्रह आता है तो अजीब लगता है जब इफको सम्मान की बारी आती है मैं ये नहीं कहता कि मैं ये नहीं कहता कि चंद्र किशोर जायसवाल जी इंतजार कर रहे हैं इफको सम्मान का उन्हें तो अपने पाठकों का इंतजार करना चाहिए जो उनको अगर इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि मैंने आपकी कहानी पढ़ी है लेकिन जब इफको सम्मान नहीं मिलता है उनको जब साहित्य अकादमी का पुरस्कार नहीं मिलता है तो हम लोगों को थोड़ी बेचैनी होती है ऐसा भी नहीं है कि नई कहानी आंदोलन में रेणु जी की किसी ने चर्चा की हो रेणु जी की चर्चा तो कहते हैं लोग कि नलिल विलोचन शर्मा ने अगर नहीं की होती एक आलोचक ने उन्हें नहीं उठाया होता तो शायद जी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं इसलिए पुरस्कार नहीं मिलता हालांकि इस बार मिल गया है वो ब्राह्मण रहे या नहीं रहे मैं अध्यक्ष महोदय से और अपने मुख्य अतिथि से इजाजत चाहूंगा कि छोटा सा मेरा एक वक्तव्य है उसको पढ़ना चाहता हूं अगर उनकी अनुमति है तो मैं पढ़ूंगा उन्हीं को खदेरा जाएगा सबसे पहले वहां से उन्हीं को खदेरा जाएगा सबसे पहले वहां से जो उस बस्ती के सबसे पुराने बाशिंदे होंगे उन्हीं को खदेरा जाएगा वहां से जो उस बस्ती के सबसे पुराने बाशिंदे होंगे सबसे पहले उन्हें ही बेदखल किया जाएगा जिनके हाथ में हक की वाजिब दस्ती होगी हालिया हा सर्वे में पढ़ा जाएगा हालिया सर्वे में ह को क पढ़ा जाएगा और क को ह और फिर इस पर नया मोहर लगा दिया जाएगा इसके बाद आने वाली तारीख बदल जाएगी उसमें चंद किशोर जायसवाल जी का नाम कहाँ से होगा मुझे नहीं लगता है चंद किशोर जायसवाल जी के बारे में कहा जा सकता है कि उनकी कहानियों में देशकाल और लोक जीवन हमेशा स्पष्ट और मूर्त होता है घटनाओं और स्थितियों का चित्रण परिवेश के हिसाब से जीवंत और प्रभावकारी अपने सामाजिक सरोकारों और रचनात्मक प्रतिबद्धताओं के बीच वे कोई फाँक नहीं रखते हैं बृहत्तर समाज का लोक मंगल ही जैसा कि मुख्य अतिथि महोदय ने भी कहा बृहत्तर समाज का लोक मंगल ही उनकी आश्रित चेतना है वे अपने समय समाज के बहुआयामी यथार्थ से हमारा साक्षात्कार ही नहीं कराते बल्कि अपनी रचनात्मकता से आम जन की प्रतिरोध की चेतना को मुखर करते हैं रेणु के बाद वे कोसी अंचल के अप्रतिम कथाकार हैं बल्कि दुनिया देश दुनिया के अप्रतिम कथाकार हैं उनके पास बीसियों कहानियां हैं जो लाजवाब हैं हिंगवा घाट में पानी रे आखिरी ईंट, आग की खूटी दुखिया दास कबीर हुज्जत कटहुज्जत जंग मर गया दीपनाथ टेहे गाज की छाया आघात पुष्प समकालीन हिंदी कहानियों में उनका उचित मूल्यांकन नहीं हुआ है वे बड़े पद के हकदार हैं चिरंजीवी पलटनिया गवाह गैरहाजिर शीर्षक दुग्राम आदि उनके चर्चित उपन्यास हैं उनकी कहानियों और उपन्यासों पर फिल्में बनी हैं, लेकिन वे भी उसी तरह भुलाए जा रहे हैं जैसा शुरू में रेणु के साथ हुआ आने वाले भी समय में शायद हमें यह मलाल हो कि हिंदी आलोचना से फिर कोई बड़ी चूक हुई इतनी महत्वपूर्ण रचनाकार की यह अनदेखी कहीं से भी उचित नहीं लगती चंद्र किशोर जायसवाल की कहानियों में उनका समय समाज बड़े फलक पर उपस्थित होता है अपने समय समाज की विसंगतियों और विडंबनाओं पर जिस तरह गहराई में डूबकर उन्होंने लिखा है वह विलक्षण है जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं जो छूट गया हो उनमें रचनात्मक विविधता है उनके लेखन में का अपना आपत लोक है जो उन्हें विश्वसनीय बनाता है हिंगवा घाट में पानी में रे में अगर राजनीति के अंतर विरोधी चरित्र का पर्दाफाश करते हैं आजादी के बरसों बाद भी हिंगवा पर पुल नहीं बनता तो बिसनपुर प्रतस्य में कोसी अंचल की बार की त्रासदी को मर गया दीपनाथ में दंगा के यथार्थ को सामाजिक सामरस्य के विघटन के रूप में चित्रित करते हैं कागा ले भागा में बिल्कुल हाशिए पर जी रहे भिकमंगों के अंदर की मानवीय प्रवृत्तियों की वे गहरी पड़ताल करते हैं वे जीव रस के कथाकार हैं, हुज्जत कट हुजत में भी परिवारों के विघटन की कहानी कहते हैं तो आखिरी ईट में जमींदारों की आर्थिक बदहाली को रचना का उपजीव्य बनाते हैं वे ऐसे बड़े कथाकार हैं जो बिना किसी पूर्वग्रह के हर वर्ग के मर्म का उद्घाटन करते हैं कहानी का यह अंत कि अब कोई राजा पैदा नहीं हो उस वर्ग के दर्द को जमीन पर ले आता है उनके पास दर्जनों ऐसी कहानियां हैं जिनके सामने बहुत पुरस्कृत कहानीकार बौने नजर आएंगे पर दुर्भाग्य यह देखिए कि साहित्य में जिस सम्मान के वे हकदार हैं उस तरफ चयनकर्ताओं का ध्यान नहीं जा रहा नहीं जाए पर पाठकों में वे हमेशा याद किए जाते हैं उनकी रचना प्रक्रिया का आरंभ श्रीपद राय की कहानी पत्रिका और धर्मयुग जैसी पत्रिकाओं से होता है आठवें दशक के पूर्वार्ध में वे इतने लोकप्रिय हो गए थे कि आज तक उनके लेखन के प्रति पाठकों का आकर्षण कायम है उनकी एक कहानी है दुखिया दास कबीर जो कहानीकार के इतिहास बोध को हमारे सामने लाती है यह कहानी एक रूपक कथा है जो प्रकारांतर से स्मृति के जरिए युद्ध की विभिषिकाओं को हमारे संज्ञान में लाती है तीसरे विश्व युद्ध की आशंका मात्र से आशंका मात्र से नक्शे दास परेशान हो जाता है इसके बाद कि उसकी अनुक्रियाएं काबिल गौर हैं जो उसके भोले भाले और संवेदनशील मानस के विघटन की, की द्योतक हैं अमेरिका और रूस को चिट्ठी लिखने का प्रयास और चेथरिया पीर जाना सिमराही के लोगों को भले उसका पागलपन लगे दीना मास्टर को लोग दोष दे कि अखबार पढ़ा पढ़ाकर कर उसे पागल कर दिया पर यहाँ सवाल उठता है कि कहानीकार आखिर कहना क्या चाहता है युद्ध की आशंका मात्र से आशंका मात्र से नक्शेदी दास का विघटित मनोलोक भले सिमराही के लोगों के लिए जितना हास्यास्पद लगे भले सिमराही के लोगों के लिए जितना हास्यास्पद लगे पर युद्ध से होने वाले विनाश का क्या हमें पता नहीं हमारे समय समाज को यह विनाश ज्ञात नहीं आज यूक्रेन में क्या हो रहा फिलिस्तीन में क्या हो रहा नक्शी दास की पीड़ा को अगर यूक्रेन की यथा और फिलिस्तीन के यथार्थ से जोर कर देखा जाए तो भविष्य की तस्वीर साफ हो जाएगी महाशक्तियों की आर्थिक स्वार्थपरता साम्राज्यवादी सोच से प्रतिस्पर्धाएं आज भी कुर्ता के हद को पार कर रही जोम जैसे पागल राष्ट्राध्यक्षों की धमकियों और आज के सूचना तकनीक के संजाल के दबाव के बीच किसी नक्षछेदी का पागल हो जाने का खतरा आज भी बरकरार है मनुष्य की सुंदर दुनिया को बचाने के लिए नक्छेदी दास का पागल पर हमारा ध्यान विश्व युद्ध के विश्व विध्वंस की ओर खींचता है चंद किशोर जायसवाल बड़े विजन के कहानीकार हैं सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक मनोभावों के बीच भी बहुत कलात्मक ढंग से यथार्थ को लेकर आते हैं कथा रस बतरस के बीच उनका व्यंग मारक उठता है हिंगवा घाट में पानी री कहानी में शाम को जब त की तंज पर सब मिलकर भंडा का मजाक उड़ाते हैं तो भंटा क्या कहता है यही ना कि वह भी जानता है कि पुल नहीं बनेगा पर वे गांधी बाबा का नाम लेकर गला फाड़ रहे थे इसलिए उनके बाल बच्चे का ख्याल कर चंदा दे दिया राजनीतों ने अपने स्वार्थ के लिए पिछले कई दशकों में गांधी के नाम को भुनाया नहीं तो क्या किया चंद किशोर को गहरे में जाकर पूरे शिल्प के साथ पकड़ते हैं कहानी में संवाद सूत्र का बड़ा मूल होता है चंद्र किशोर जायसवाल के संवाद में एक वित है विट का क्लाइमेक्स है कि आक्रोश में बेटे पर थूकने वाला किशुन शाह मोह ममता के बंधन को तोड़कर भी नहीं तोड़ पाता वह वर्णेश्वर धाम का चक्कर लगाकर घर लौट आता है जीवन के प्रति गहरी आसक्ति और प्रेम का उदात रूप नकबे सर कागा ले भागा में देख सकते हैं जब घेघू के अंदर की लालसाएं नहीं मरती ऐसे गहन अंतर्विक्षण चंद्र किशोर जायसवाल से ही संभव था फैज के बाद उसी दिलकश अंदाज में चंद्र किशोर जायसवाल ने लूले लंगड़े भिखमंगों पर कहानी लिखी है सामाजिक सामरस सामरसय को से ओझल होती दुनिया का एक मार्मिक चित्रण मर्ग या दीपनाथ में देखा जा सकता है दंगा पर यह एक विलक्षण अप्रोच से लिखी गई कहानी है इस कहानी का मर्म दंगा के मनोविज्ञान को समझने में सहायक है सामाजिक संदर्भों पर उनकी कहानियां लीक से हटकर होती हैं हुज्जत कट हुज्जत कहानी में दिलेशर से मार खाकर नाराज पत्नी कहती है कि इतनी जोर से मारा है कि कमर दुख रही है तुमको अगर अलग नहीं होना था तो नहीं होते मारा काहे इस तरह के संवाद ढेरों भरे परे हैं उनकी कहानियों में ग्रहण कहानी का अंत भी पाठक के मन को हिलकोर कर रख देता है कितना बड़ा झूठ कितनी आसानी से बोलता है पति परिस्थितियों के हिसाब से यह संवाद बेजोर माना जाएगा माँ और पत्नी के बीच इस तरह का संतुलन बनाने वाले कहानीकार को दाम्पत्य जीवन के रागबोध का महान कहानीकार माना जाना चाहिए चंदकिशोर जायसवाल की सबसे बड़ी विशेषता है ग्रामीण जीवन के उपेक्षित और वंचित लोगों के किरदार को केंद्रिता प्रदान करना इस दृष्टि से उनके कई चरित्र पाठकों के ऊपर अपनी गहरी छाप छोड़ते हैं पलटनिया को आज़ादी के बाद सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों की दृष्टि से और चिरंजीव को कथा रस की दृष्टि से आधुनिक जीवन का महाकाव्य कहा जा सकता है ये दोनों उपन्यास मील की पत्थर की तरह हैं जो उनके विपुल रचना कर्म के आधार स्तंभ भी हैं भाषा शिल्प के मामले में भी वे विलक्षण हैं रेणु की माटी की जमीन पर उन्होंने रेणु माटी जमीन पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है उन्हें जिस तरह से याद किया जाए कम इस तरह का सहज और सरस कथाकार कभी कभी आता है जो पाठकों के दिलो दिमाग पर अनंत काल तक राज करता है मित्रों जाते जाते निर्भय दिव्यांश जी के मनोभावों को ध्यान करते हुए मीर तकी मीर का एक शेर सुनाता हूँ न देखना उसका इधर तजाऊर था न देखना उसका इधर तजाऊर था उसने मुझे पहचान कर मारा उसने मुझे पहचान कर मारा धन्यवाद तरीके से रखा अब सम्मान की प्रक्रिया में मैं सम्मान मूर्ति श्री चंद्र किशोर जायसवाल सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कृपया सर मंच पर आए शॉल से सम्मानित करने हेतु डॉ कर्ण सिंह चौहान सर को आमंत्रित करती हूँ अंग वस्त्र के लिए श्री निर्भय दिव्यांग सर को आमंत्रित करती हूं प्रतीक चिन्ह के लिए मैं अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विनय कुमार चौधरी सर को आमंत्रित करती हूँ और अंततः सम्मान राशि हेतु मैं डॉक्टर कर्ण सिंह चौहान सर को आमंत्रित करती हूँ जुगड़ों की तालियों से किशोर जायसवाल सर का अभिनंदन करें यह हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है अब पत्रिका के लोकार्पण हेतु मैं निर्भा निर्भय दे से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर पत्रिकाओं के साथ उपस्थित हों आलियों से बहुत बहुत स्वागत निर्वय दिव्यांग सर से आग्रह है कि कृपया दर्शकों के मध्य पत्रिका का वितरण करें अब इस कार्य का डॉक्टर ब्रह्मदेव मंडल सर को आमंत्रित करती हूं सर कृपया मंच पर आए तालियों से इनका स्वागत करें कृपया अध्यक्ष महोदय सद्य सम्मानित हमारे परम आदरणीय कथाकार नाटककार जायसवाल जी विशिष्ट महत्व का है इसलिए कि जिन कार्यों को जायसवाल जी ने वर्षों पहले आरंभ किया था उन कार्यों के ऊपर इस तरह के प्रबुद्ध जनों के सामने बातचीत करने का मुझे पूर्णिया में पहली बार अवसर मिला है और विषय जैसा कि प्रस्तावित किया गया है उसमें एक शब्द मेरे लिए बहुत अर्थवान है वह है लोक भाषा सत्ता भी लोक सामान्य जनों से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उन्हें लोक के रूप में परिभाषित करने की परंपरा रही है मैं उसमें एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा उसके लक्षण के तौर पर वह है उसकी स्थानीयता आज यह विषय जो है महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि वैश्वीकरण के इस दौर में ग्लोबलाइजेशन जहाँ चर्चा होती है वहाँ पर जो है यह जो स्थानीयता है लोकल के लिए जो हम अपनी व्यग्रता अपनी सहृदयता या अपनी आत्मीयता प्रदर्शित करते हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ है एक बड़े आलोचक ने कहा कि जो लोकल नहीं होगा वो ग्लोबल क्या होगा और उन्होंने व्यंग करते हुए कहा था कि जिनको आस पास के लोग भी ठीक से नहीं जानते वो जो है कोई सम्मेलन करता है अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन अब उसके ये अध्यक्ष हैं अरे भाई तुमको घर का आदमी पहचानता नहीं आप अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन के अध्यक्ष हो तो बड़ी जो है खोखली बात लगती है जहाँ तक जायसवाल जी का सवाल है अखिल भारतीय व्यक्तित्व होने के बावजूद लोकल में लोकल के प्रति इतना वोकल इनके कथा साहित्य का वैशिष्ट रहा है यह सर्वाधिक आकृष्ट करने वाली विशेषता है ये वृत्त जो है इनकी इनके कथा साहित्य का जो लोक वृत्त है बहुत समृद्ध काफ़ी गहरा है और संतुष्ट करने वाला है और कहिए संतुष्ट करने वाले तत्व के साथ ही साथ असंतुष्ट भी करता है असंतुष्टि इस बात की कि और पढ़ूँ और रस लूं और आनंद लूटूँ असंतोष भी पैदा करता एक ही कहानी कई बार पढ़ता रहा हूँ पढ़ता हूँ देखता हूँ कि फिर पढ़ना चाहिए नकवेश्वर कागा लेगा को यह जो त्वरा है यह जो रस प्लावन है या रस प्लावन की स्थिति है वही स्थिति पाठकों का सर्वस्व है क्योंकि पाठकों को और कुछ नहीं चाहिए साहित्य के एक पाठक को इससे बड़ी उपलब्धि और क्या मिल सकती है कि वो आत्म तृप्ति का अनुभव करे ज्ञान का भी साहित्य होता है ज्ञान भी तृप्त करता है और प्रदीप्त भी करता है उद्दीप्त करता है लेकिन इन सब के बावजूद आत्मा की परितीप्ति यदि आत्मा को मानते हैं तो साहित्य का सबसे बड़ा गुण है और जायसवाल साहित्य जो है इस आवश्यकता की पूर्ति करता है बखूबी करता है मैंने इनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कह सकता हूँ वैसे मतभिन्नता हो सकती कि इनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन है सात फेरे पर मैंने काम किया है शोध कार्य किया है उपाधि अर्जित की है तो यह उपन्यास और इस उपन्यास के साथ सभी उपन्यासों का अध्ययन किया अभी इनकी कहानियों पर मैं काम करवा रहा हूँ और इन दिनों जो है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के सत्येंद्र दुबे जी हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया कहा कि आप जायसवाल जी की कहानियों पर करवा रहे हैं उपन्यास पर आपने किया है गुलाबचंद चंद यादव जी ने जो हम उनके संपूर्ण वांग्मय पर किया है कोई विषय सुझाया जाए ना हमने कहा कि उनके साहित्य के ऊपर देखिए कहानी और उपन्यास दोनों को आप लीजिए कहा कि मेरे पास दो कैंडिडेट हैं हम कह दोनों को दो पाठ दे दीजिए दो दृष्टिकोण दीजिए उस दृष्टिकोण के साथ उसको काम करने के लिए संलग्न कीजिए कहा क्या दृष्टिकोण हो सकता है मेरे मित्र हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय में डॉक्टर सिद्धार्थ जी उन्होंने कहा कि थोड़ी मदद कीजिए दुबे जी की मैंने कहा कि देखिए चंद्रकिशोर जायसवाल की कहानियों का जो लोक वृत्तांतात्मक अध्ययन है यह एक विषय होगा और दूसरा विषय जो है, है वो चंद्रकिशोर जायसवाल के उपन्यास का लोक वृत्तांतात्मक अध्ययन हो सकता है कहा कि ठीक है सर इस दिशा में मैं काम करूंगा। मैं काम को आगे बढ़ाऊंगा। उनके लिए बढ़ाइए मेरी शुभकामना है क्योंकि मेरी जो छात्रा है उनका विषय है चंद्र किशोर जायसवाल की कहानियों का वस्तु तत्व और उसके शिल्प तत्व का अध्ययन तो इसलिए आपका विषय विभिन्न भी हो रहा ये जो लोक वृत्त है इनका बहुत व्यापक है बहुत व्यापकता है उसमें वृत्त है क्या वृत्त में जो है जन है लोकवृत्त में जो है क्षेत्रीय जन है लोकवृत्त प्रस्तुत करते हुए इन्होंने भाषा को लोक भाषा की बिल्कुल निकट ले जाने का सफल प्रयास किया है यह भी लोकवृत्त का ही अंग बन गया है भाषा की जो कृत्रिमता होती है वह साहित्य को जनता से दूर ले जाती है इनके साहित्य के निकट जाने का एक बड़ा कारण है इसकी साहित्यिक भाषा जो है इनकी उसका आकर्षण वह जो है लोक मानस को अपनी ओर खींचती है इनकी भाषा साहित्य की भाषा में वो तत्व है यह भी लोक वृत्त के दायरे में ही आता है लोक वृत्त के दायरे से बाहर नहीं है वस्तु तत्व हो शिल्प भी जैसे कोई मिथक है कोई शिल्प से संबंधित अन्य तत्व तो है लोक कथा है शिल्प से जुड़े हुए जो हैं प्रतीकात्मकता है उन सब में लोकतात्विक अनुभूतियों की जो समृद्धि समृद्धि है उसमें जो उसकी तृप्तिदायनी चीज़ें हैं वो जो है लोकमानस को अपनी ओर खींचती हैं और यह जो है लोक वृत्त है उनका उन्होंने कहा कि लोक वृत्त को थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ पूर्णिया से तीस के कार्यक्रम के बाद मैं जनवरी में आपको और भी जो है कुछ कहूँगा वैसे आप शिक्षक हैं लेकिन मैं जो साधारणतः समझता हूँ मैं आपको बताऊँगा आप भी जो समझते हैं मुझे बताइएगा तो मेरे कहने का है कि यह शब्द लोक और उसी में जोड़ दीजिए वृत्त तो यह इस वृत्त की जो परिधि है बहुत व्यापक है और इसमें इनकी कथा कृतियों का जो समावेश है आ, बहुत आ, कलात्मक ढंग से हुआ है और इन इनकी कहानियों का इनके कथा साहित्य की कलात्मकता जो है वो अपनी ओर खूब ध्यान खींचती है एक होता है कि हाँ खींचती है लेकिन नहीं खूब ध्यान खींचती है खूब तृप्तिदायनी कथाकृतियाँ हैं इनकी और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि लाख संस्थान के की ओर से इन्हें मान बहादुर सिंह लाख सम्मान दिया जा रहा है मैं मान बहादुर सिंह के विषय में बहुत कम जानता था नहीं कि मैं लहक पत्रिका की ओर से जो कुछ भी यहाँ किया जा रहा है घटित हो रहा है उसके लिए पूरे संस्थान को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा इतिलम धन्यवाद धन्यवाद सर आपने अपने किस तरह लोकमानस को अपने ओर ले जाती है इसका इसके बारे में बताया अब सभापति महोदय विद्वत जन वैसे तो वक्ताओं की सूची में मेरा नाम नहीं था और मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था लेकिन चूँकि मुझे यह अवसर दिया गया बुलाया गया इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ और सबसे बड़ी बात तो लाख पत्रिका को मैं आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि श्री चंद्र किशोर जायसवाल जी मेरे घर के हैं मेरे परिवार के सदस्य हैं आवाज मेरा परिवार का सदस्य सम्मानित हो रहा है यह गौरव मुझे भी है इसलिए मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ <clears throat> लेकिन इतनी बात है कि इनकी जितनी भी रचनाओं को मुझे पढ़ने का मौका मिला है कुछ ही मैं चूँकि विपुल साहित्य है इनका कुछ ही साहित्य को मैं पढ़ सका पढ़ सक सका हूं तो इस संवेदनात्मक ज्ञान से हट करके इनकी रचनाएं इन्होंने जिया है जिस परिवेश में इन्होंने रहा है इन ग्रामीण परिवेश में ही रहे पले बढ़े और सेवा काल में भी कमो ग्रामीण परिवासी इनको मिलता रहा है क्योंकि पूर्णिया कोई बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है और ये नज़दीक के ही रहने वाले थे इसलिए ग्राम गा, मैंने गाँव से संपर्क का बना रहा इसलिए ग्रामीण जीवन का चित्रण इन्होंने जिस ढंग से किया है वो बड़ा प्रभावकारी रहा है बहुत अच्छी भाषा इनकी है मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सफल साहित्यकार वही होता है जिसकी रचना आम आदमियों तक पहुँच पाए ग्राह्यता उसकी हो और यह तभी संभव है जब आम आदमी की भाषा में रचना की जाए इनकी रचनाओं में यह बात आती है एक बात का और उल्लेख मैं करना चाहूंगा जो हर जगह यह आवाज उठती है कि जितनी चर्चा इनकी होनी चाहिए थी उतनी चर्चा नहीं हो पाई यह एक चूंकि यह पीड़ा हम लोगों को भी है चूंकि मैंने पहले कहा कि यह मेरे परिवार के हैं मेरे अपने हैं और अपने परिवार का सदस्य अगर उपेक्षित होता है तो ज़रूर ये है लेकिन इतनी बात तय है कि जैसे वक्ताओं ने चर्चा की कि जब साहित्य इनका ये जल्दीबाजी नहीं है लोग पढ़ेंगे सबसे बड़ी बात है कि पाठकों ने अगर इनको अपनाया पाठकों ने सम्मान दिया तो सबसे बड़ी बात है और यह समय आएगा कि एक दिन हिंदी साहित्य में चंद्रकिशोर जायसवाल जी बहुत ऊंचे स्थान पर इनका नाम आएगा ये गिने जाएंगे मैं इन दिनों की प्रतीक्षा करूंगा इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं धन्यवाद धन्यवाद सर अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं उपन्यासकार देव नारायण सर को आमंत्रित करती हूँ सर आए अभी हाल ही में इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास रामघाट में कोरोना जिसमें कोरोना की त्रासदी के बारे में जिक्रन किया गया है साथ ही ये वर्तमान समय में लखनऊ छावनी के प्रशासनिक प्रमुख हैं सर कृपया आएँ मैं सबसे पहले चंद्रकिशोर जायसवाल सर का चरण स्पर्श करते हुए संक्षिप्त में अपना अपनी अभिव्यक्ति देना चाहूँगा मंच पर आज के समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर विनय चौधरी जी और डॉक्टर कर्ण सिंह चौहान जी का सम्मान करते हुए अनुमति से मैं संक्षिप्त में ही बोलना चाहूँगा पूर्णिया मेरा अपना घर है अपना जन्म है जीना मरना पूर्णिया ही है इसके बावजूद आज मैं यहाँ एक परदेसी के रूप में आया हूँ आज ही आया हूँ और कल चला जाऊँगा यह कार्यक्रम जितना ही निश्चित था इसकी सर्टेंटी जितनी थी मेरा यहाँ आना उतना ही अनिश्चित था फिर भी मैं आया हूँ और आज चंद्रकिशोर जायसवाल सर को सम्मान दिया गया है इसके लिए मैं लहक परिवार और विशेष तौर पर निर्भय देवानश जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि इससे सिर्फ़ मेरा शहर पूर्णिया ही नहीं पूरा कोसी अंचल और हमारे बिहार के जो गौरव हैं उनको सम्मानित किया गया है इनसे हम सभी गौरवान्वित हो रहे हैं मैं आभार प्रकट करता हूँ आज का जो विषय वस्तु जो विमर्श बिंदु रखा गया है हिंदी साहित्य का लोक और भाषा की सत्ता सबसे पहले मैं भाषा की सत्ता के बारे में ही बता दूं। साहित्य से अगर परे भी जाए इस दुनिया में भाषा कमज़ोर पड़ रही है इसके लिए जो जिम्मेदार कारक हैं वो कई हैं आप भी पाँच गिना सकते हैं आप भी दस गिना सकते हैं जब भाषा कमज़ोर पड़ती है तो लोग कहाँ शरण लेते हैं भाषा कमज़ोर पड़ते ही अब शब्द का जन्म होता है गालियाँ जन्म लेती है उससे आगे फिर हिंसा तो यह एक ख़तरा पूरी दुनिया के लिए है साहित्य के लिए तो है ही और इसके लिए सोशल मीडिया कहें और जो भी विकृत रूप अभी सामने आए हैं इस दुनिया में पिछले कुछ दशक में वो जिम्मेदार हैं भाषा की सत्ता के मामले में आज का जो विमर्श बिंदु रखा गया है वह चंद्र किशोर जायसवाल सर का जो संपूर्ण एक रचना संसार है उस उसकी पूरी पड़ताल और परख के बाद ही आप इस मसले पर सही ढंग से निरपेक्ष ढंग से वस्तुनिष्ठ ढंग से बोल सकते हैं हम लोगों ने सर की जितनी कहानियाँ पढ़ी है शुरू से ही एक पाठक के तौर पर उनके दो तीन उपन्यास जो हमने पढ़े हैं उसके आधार पर मैं कुछ चीज़ों का जो तारतम्य या शाम में बैठा पा रहा हूँ मैं उस पर थोड़ा पहले प्रकाश डालना चाहता हूँ जैसा कि अभी चौहान सर ने कहा यथार्थ के बारे में मैं इस पर जोड़ना चाहूँगा कि चंद्र जयसवाल जायसवाल सर विशिष्ट क्यों हैं हिंदी साहित्य में उनकी उपेक्षा हुई है चर्चा नहीं हुई है आपने सही कहा सर चौहान सर आपने बिल्कुल सही कहा यह मायने नहीं रखते जब हम अभी चंदथोर जायसवाल सर और निर्भय देवांश जी को की अगवानी करते हुए यहाँ तक ला रहे थे अतिथि गृह से तो रास्ते में करण सिंह सर के साथ मेरी बातें हो रही थी कि कुछ पत्रकारों पर सरकार ने कार्रवाई की या वो डरे हुए हैं तो इन्होंने कहा कि जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो भी डर रहे हैं तो फिर मैंने कहा कि आ, सरकार अपनी काम हैं हम लोग अपना हम लोग अपना काम करें दुनिया में नश्वर काम जिनको करना है वो नश्वर करें और जिन्हें अनश्वर काम करना है वो अनश्वर करें हम लोग अनश्वर के पक्षधर हैं शब्द के पक्षधर हैं तो हम लोग उस पर काम करेंगे तो यथार्थ की बात कर रहे थे तो मैं ये थोड़ा सा एक तुलनात्मक एक जो प्रगति है पूरे विश्व साहित्य में मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ मेरा एक अपना टेस्ट है जो वर्ल्ड लिटरेचर से रिलेटेड जो भी कहानियां या उपन्यास लेटेस्ट पिछले साल दो साल पांच साल पहले आया हुआ है उसमें पढ़ता हूं तो मेरा एक सार गर्भित जो अपना एक जो एक निचोड़ मैंने पकड़ा है जो हिंदी साहित्य पिछले कुछ दशकों से यथार्थ के बोझ तले दबा है करण सिंह साहब ने कहा यथार्थ का जो अनुभव होता है वास्तविक जो कि जीवन से आप जुड़े होते हैं जहाँ की आप से गुजरे होते हैं और ये होता है विचारों से प्रतिफलित यथार्थ आपने सही कहा सर विचारों से प्रतिफलित यथार्थ हिंदी साहित्य में स्थापित रहा या फिर उनकी पहचान नहीं हो पाई या बड़ा कठिन कार्य था वो ठीक है लेकिन जो विश्व साहित्य का अगर एक परिप्रेक्ष्य आप देखें तो वहाँ यथार्थ को एक पैटर्न के रूप में लिया गया है अगर मैं कहूँ जहाँ की हिंदी साहित्य में यथार्थ को एक गंतव्य या साध्य के रूप में लिया जाता रहा है कुछ दशकों से मैं कहूँगा जबकि होना ये चाहिए था यथार्थ को हमें साधन बनाना चाहिए यथार्थ साधन हो सकता है मार्ग हो सकता है साहित्य का वो मार्ग साहित्य यानी जो संवेदनाओं का संसार होता है एक संसार वो है जो मैं यहाँ देख रहा हूँ आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में उसके अंदर एक संसार है जो हर कोई नहीं पहचान सकता हर कोई नहीं पकड़ सकता वे जो साहित्यकार हैं संवेदनाओं से भरे साहित्यकार उनकी रडार में ही वो संसार पकड़ में आती है और शब्दों में अभिव्यक्ति पाती हैं ना जाने से कितने पात्र हैं जो यथार्थ के रूप में बिखरे पड़े हैं लेकिन हम सभी को जीवित नहीं कर जीवंत नहीं कर पाते हैं जो महान जो चितेरे होते हैं वो उन पात्रों को जीवंत कर पाते हैं मैं बात कर रहा था कि जयसवाल सर की विशिष्टता क्या है यथार्थ को लेकर के तो मैंने कहा कि यथार्थ है एक पैटर्न किसी ने कहा था पिछले सम्मेलन में कि जैसे कि दाल में नमक है यथार्थ वही है मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ पूर्णिया में कहा था या लखनऊ में लेकिन मुझे ये बातें जची कि सही कहा यथार्थ दाल में नमक है जो कि उनको स्वादिष्ट बनाता है अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आप खुद ही नहीं खा पाएंगे तो हिंदी साहित्य में यथार्थ का जो एक इस्तेमाल हुआ है वो पैटर्न के रूप में नहीं हुआ है उसको लोगों ने एक साध्य मान लिया जो कि जिससे हिंदी साहित्य बोझिल हुआ है तो ये बातें जयसवाल सर का जो साहित्य संसार है उन्होंने इस चीज़ को बहुत पहले पकड़ ली थी या अनायास कहें उनका जो साहित्य बोध है वो है कि यथार्थ को उन्होंने एक पैटर्न के रूप में लिया साहित्य में तो लालित्य है वस्तुतः तो तो साहित्य तो प्यार का संसार है इस संसार में सिर्फ मानव नहीं है साहित्य संसार है पूरे परिवेश का मानव है पूरा जब संपूर्ण जीव जगत है पर्यावरण है तो इस, इस इन चीज़ों की जो पकड़ है जयसवाल सर के साहित्य में काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ इस पर बोल चुके हैं मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा तो दशकों पहले उनके साहित्य में जो एक पैटर्न ये आया कि यथार्थ को कैसे आप यथार्थ और उसके नीचे छिपी संवेदनाओं को किस रूप में आप साहित्य के रस में डूबों के आगे पाठकों के बीच लाएंगे इसीलिए आपकी जो रचना संसार है उसके पाठक हैं उस पर शोध हो रहे हैं बच्चे पीएचडी कर रहे हैं क्योंकि उसमें साहित्य का रस है लालित्य है और एक बात करण सिंह साहब ने और कहा बीज वक्तव्य में उन्होंने कहा था इसीलिए मुझे लगा कि मुझे उसमें से और बोलना चाहिए इन्होंने एक बात कही थी इस बारे में यथार्थ से आगे सर अपने मैं भी एक नोट करना भूल गया था मैं भी इस पर बात बताऊंगा तो चूंकि मैं इनके उपन्यास पर ही बोलने के लिए कुछ सोच सोच रखा था पहले मेरा आना निश्चित नहीं था इसके उपन्यास का जो संसार है उपन्यास वस्तुतः अपने आप में एक संसार होता है उसमें उपन्यासकार रचना करता है उस संसार का जो इसी संसार के अंदर का संसार होता है चाहे वो चिरंजीवी हो दुखाग्राम हो मणिग्राम हो अब मणिग्राम इनका उपन्यास है मैं इसकी ही अगर बात करूं, अभी लहक जब हम मेरे हाथों में ये अंक अभी आया तो मैंने देखा कि इसमें भी एक मेरा आलेख है अंदर में मैंने भेजा था कभी मणिग्राम पर ही लिखा हुआ तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने चीजों को जो चीजें आने वाले समय में घटित होगी भविष्य में इनकी पकड़ में इनके रडार में पहले ही आ जाती है क्योंकि समय को सूंघने की ताकत होती है कल क्या आएगा ये रचनाकार है जैसे कि बात करूं अगर यथार्थ के मैं फिर वहीं जा रहा हूं फैंटेसी जो करण सिंह सर की का जो वक्तव्य था बीज वक्तव्य उसमें मैं फैंटेसी के बारे में बोलना चाह रहा था कि आपने सर यथार्थ पर जोर दिया अनुभव आधारित यथार्थ जो सच्चा यथार्थ है और विचार से उत्पादित यथार्थ तो मैं विश्व साहित्य में फिर से जा रहा हूँ अभी एक मिनट के लिए जा रहा हूँ वहाँ आप देखेंगे हर पाँच दस साल में इनोवेशन है साहित्य में इनोवेशन है वहाँ विचारों से प्रतिफलित यथार्थ पर जो फैंटेसी और हम भी कहते हैं कहानी क्या है गढ़ंत है उपन्यास क्या है यथार्थ पर फैंटेसी के रूप में जो आप सामने लाते हैं तो विश्व साहित्य में जो गढ़ंत है फैंटेसी है कल्पनाशीलता है उसके सहारे वो काफी आगे जा रहे हैं यथार्थ तो एक फलक है प्लेटफार्म है वहाँ पर कल्पनाशीलता के ईंधन से मैं कहूँ तो कल्पनाशीलता के ईंधन से आप लालित्यपूर्ण ढंग से अपनी रचनाओं को कहानी हो या उपन्यास को आप जीवंत बनाते हैं जैसे कि अभी मैं एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ ललिता पर नोबेल मिला इसका अभी मैंने कहानी पढ़ी थी उपनिष में लिखा हुआ है बलादीम और नावकोव अभी कथाक्रम के पिछले ही अंक में मैंने उनकी एक कहानी पढ़ी एक सूर्यास्त का अंत विदेशी कहानियाँ पढ़ना मेरा शौक रहा है वो बहुत पहले के लेखक रहे हैं ब्लादिमिर नावकोव तो उनके लिखने के पैटर्न से अलग मैंने उनकी वो कहानी देखी एक सूर्यास्त का अंत एक नायक है मार्क उन उनकी लवर है प्रेमिका कलेरा जो भी मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन मैंने देखा कि उनकी पूरी उनके बारे में जो हम जान रहे हैं हम लोग बलादिमिर नवोकोव के बारे में उससे अलग हट करके जब मैंने उनकी कहानी पढ़ी अभी एक महीना पहले मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कोई साहित्यकार अगर अमर हैं मरने के बाद अमर होते हैं बात सही है अपने कहा सर के मरने के बाद अमर होते हैं बात बिल्कुल सही है पहले आप मरोगे तभी तो, तो अमर होगे तो आज भी देखिए उनकी कहानियों को पढ़ मुझे बड़ा आश्चर्य और अद्भुत सा लगा कि अपने पैटर्न से अलग हट कर की उनकी ये कहानी है तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि चंद्रकिशोर जयसवाल सर की विशेषता ये है वैशिष्ट ये है आप इनकी जितनी रचनाएं पढ़ेंगे जो भी उपन्यास पढ़ेंगे जिंदगी का जो 360 डिग्री का जो परिक्रमा है अनुभव का संसार है यथार्थ और अनुभव आधारित यथार्थ पर इनकी लेखनी है लेकिन जो पक्ष में बोल रहा हूँ फैंटेसी और कल्पनाशीलता वो है असली ऊर्जा इसके इनकी रचनाओं का जो कि इन्हें पठनीय बनाती है जो कि इनके शोधपरक बनाती है मैं मनीग्राम की ही बात अभी कर रहा था फिर मैं फैंटेसी पर आ गया मणिग्राम उपन्यास की मैं विशेषता ये देख रहा हूँ मैं इनकी मनीग्राम की विशेषता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर की विशेषता है अभी जाति जनगणना हुई पिछले कुछ दशकों में उत्तरी पट्टी में शायद दक्षिण में भी मुझे दक्षिणी समाज मैं रहा हूँ महाराष्ट्र में लंबे समय तक रहा हूँ मुझे काफ़ी अनुभव है वहाँ का जो सामाजिक संरचना है मैं बात उत्तर भारत की करूँ तो जो जातीय संघर्ष है यहाँ दशकों कि एक विरासत रही है तो अब जातीय संघर्ष का भी डिजिटाइजेशन हो गया है डिजिटाइजेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ अब मार काट लाठा लाठी कट्ठा फट्ठा नहीं हो रहा है अब जातीय संघर्ष जातीय घर्षण में बदल गया है जो दिखता नहीं है वो फाइव जी जैसा गामी हो गया है घर्षण हर गांव में है शहर में भी है जातीय घर्षण जारी है और बड़ी तीव्र गति से जिस जातीय जनगणना के बाद हम आप सब जान रहे हैं अभी बिहार में के माने में कौन जाती कि कौन जाति कितनी है तो सर का उपन्यास मनीग्राम में इन्होंने पता नहीं सर ने से कब लिखा होगा मैं नहीं कह सकता लेकिन समय को उन्होंने समय से पहले ही पढ़ लिया मनीग्राम एक बड़ा गांव है सभी जाति के लोग हैं ब्राह्मण सर्वोपरि हैं वैचारिक रूप से आर्थिक रूप से सर ने शायद ये देखा होगा कि है भी ऐसा और कई जाति के लोगों भी संघर्ष है मणिग्राम को लोगों ने बसाया लक्ष्मी थान स्थापित किया उसके माध्यम से वर्चस्व है लेकिन बीच में जो बहुसंख्यक यादव है उनका उभार हुआ है उपन्यास में बंटी यादव बालकिशोर यादव नवयुवक हैं तो इस पूरे चीज़ को उन्होंने इस समीकरण को जो अंदर की जो बातें हैं उन्होंने अपने शब्दों में इस ढंग से उपन्यास में जो एक सिक्वेंसेस है मैं कहूँगा ये पाठक को हटने नहीं देता है किसी भी आ, अध्याय से या पेज से तो ये इनकी लेखने की विशेषता है कि वो यथार्थ को फैंटेसी और अपनी कल्पनाशीलता से जिस ढंग से सामने लाते हैं आज चूंकि ये लहक जब मेरे सामने अभी आया है तो अगर जो की अनुमति हो तो मुझे आज इच्छा हो रही है कि जो मणिग्राम का एक पेज पढ़ना चाहता हूं मैं अगर आप अनुमति दें सर मणिग्राम उपन्यास का समापन हुआ कैसे गांव में शांति स्थापना के लिए अंततः जो गांव के सर्वोपरि व्यक्तित्व हैं Hmm, मयानंद चौधरी दंड लक्ष्मी थान के स्थाप स्थापना की जो पूरे गांव को एक तरह से चलाते रहे हैं लेकिन अब समय वो आ गया है कि उनकी अब चल नहीं रही है गांव में संघर्ष ही संघर्ष खड़ा हो गया है घर्षण पर घर्षण तो अंततः वे ही आगे आ कर के थोड़ा सा अपना झुक कर के ही ये बात सही है मैं यूपी में हूँ कई सालों से मैंने वहाँ भी देखा है गाँव की राजनीति को गाँव की संरचना को जो बड़े होते हैं लोग कहते हैं बड़े को बड़े बन के आगे आना होता है तो ये बहुत बड़ा एक सामाजिक परिवर्तन है अब जो बड़े हैं वो बहुत कूटनीतिक रूप से आगे आ रहे हैं एक सच्चाई है यथार्थ है इस उपन्यास में भी आया है जो मैनन चौधरी है वो गांव को बचाने के लिए यानी अपना वर्चस्व को कैसे वो स्थापित रखें तुम जान रहे हो बालकिशोर मयानंद चौधरी ने बालकिशोर यादव से कहा कि मैं क्यों तुमसे मिलने तुम्हारे घर जा रहा था मुझे बताया गया कि आप गांव को बचाने के लिए मुझसे मिलना चाह रहे हैं तुम भी तो अब यह महसूस कर रहे हो कि कठिन समय आ गया है और सब लोग मिलजुल कर गाँव को बचाएं मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गांव के लिए कोई कठिन समय आया है बालकिशोर ने सुनाया आपको ऐसा जरूर लगता होगा कि भूस्वामी ब्राह्मणों के लिए कठिन समय आया है और उन्हें मुसहरों से बचाना है मुझे सिर्फ ब्राह्मणों को बचाने की नहीं पूरे गांव को बचाने की चिंता हो रही है बालकिशोर गांव को बचाने की चिंता अब हो रही है जब पहली बार ब्राह्मणों को मुसहरों से बचने की चिंता हुई है मुसहरों ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि गांव की बर्बादी का वे कारण बने या उनसे ब्राह्मणों को बचाने की बात मेरे मन में आए मेरा इशारा दूसरी ओर है यह तो आप मानेंगे कि गांव को बचाने के लिए चिंता आपको पहली बार हो रही है मान लेता हूं माया बाबू बोले मगर मुझे पहले कभी ऐसा नहीं लगा था कि हमारा पूरा गांव बर्बादी की ओर बढ़ रहा है आज मुझे इसके संकेत मिल रहे हैं क्या संकेत मिल रहे हैं मणिग्राम के सारे लोग जाति की बात कर रहे हैं जाति सभाओं की ओर दौड़ रहे हैं ब्राह्मणों को भी सभा महासभा करने से कोई रोक तो नहीं रहा है वे शौक से करें महासभा परशुराम को बुलाएं। ब्राह्मणों की महासभा करने से ना तो यहाँ के ब्राह्मणों को बचाया जा सकता है और ना गांव को ब्राह्मण तभी बचेंगे जब यह गांव बचेगा हम गांव को बचाने की बात करें बालकिशोर गांव को बचाने की चिंता आपको क्यों क्योंकि मेरे पुरखों ने इस गांव को बसाया था तब तो यह आपकी व्यक्तिगत चिंता हुई सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी उन गांवों का हाल तुम भी जान रहे होंगे मगर मैं सिर्फ तुमसे सुना देता हूं उन गांवों में हत्याएं हुई बलात्कार हुई घर जलाए हुए गांव उजड़ गए तो मैं इसके समापन की ओर बढ़ रहा था अभी इसमें और भी है मैं अभी और नहीं पढ़ना चाह रहा हूं अंततः इस उपन्यास में जो एक सामाजिक समन्वय है कैसे कायम रखा जाता है एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ उपन्यास को जिस ढंग से समापन किया है सर ने तो मैं ये कहूँगा कि ये चितेरे लेखक जो एक कलाकार होते हैं ये आशावादी दृष्टिकोण के साथ जिनकी रचनाएं आगे बढ़ती हैं तो वो हैं और सच में आने वाला आने वाले समय का संकेत है हम लड़के मर के नहीं रह सकते किसी को झुकना है किसी को बैलेंस बनाना है सहजविता का जो सिद्धांत है सिम्बाइसिस का वो इस उपन्यास में अंत में सर ने जिस ढंग से कहा है तो मैं यही कह करके अपना वक्तव्य का समापन करूँगा कि आज लहक परिवार ने हम सभी को सम्मानित किया है ये चंद्र किशोर सवाल सरकार नहीं पूरे बिहार का और साहित्य जगत का सम्मान है धन्यवाद धन्यवाद सर आपने साहित्य में विद्यमान यथार्थ और कल्पना के समावेशी सत्ता को बताते हुए चंद्रकिशोर जायसवाल की रचनाओं में यथार्थ बोध की बहुलता को बताया है अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं डॉक्टर वंदना भारती मैम को आमंत्रित करती हूँ ये वर्तमान समय में पीजी हिंदी विभाग पूर्णिया विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापिका है मैम कृपया आइए सर स्नेहा कुमारी नमस्कार कुछ नहीं नहीं शायद मैं दिख रही हूँ आप लोगों को हाइट छोटी है तो तो हमेशा लगता है कि कुछ नीचे रहे तो मैं दिख जाऊँ सभागार में लगा लोगों को लगा दीजिए तो बढ़िया है धन्यवाद आपका नाम शिल्पी शिल्पी जी हाँ शिल्पी जी बहुत देर से संचालन कर रही है मंच का और मैं वहाँ बैठे बैठे मुझे आ, मेरी हालत खराब हो रही थी तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी एनर्जी उनकी जा रही है आ, सम्मानित मंच सभागार में जितने प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं सबको मेरा नमस्कार आ, जिनका सम्मान आज हुआ है उन्हें विशेष नमस्कार क्योंकि किसी एक कृति का सम्मान नहीं हुआ है इनकी पूरी जीवन यात्रा का यह सम्मान था तो बधाई भी सर को हालांकि मैं बधाई देने की पात्र नहीं हूँ एक शिष्य की तरह ही मुझे भी उतनी खुशी हो रही है कि उनको आज यह लहक का सम्मान मिला और जो बात आज हो रही थी साथियों शुरुआत में ही जो वीज वक्तव्य में इतने बात कह दिए गए हैं आपके पास इतना पॉइंट्स है कि पता नहीं लगेगा कि दोहराव हो रहा है जो जो मैं भी तैयार करके आई थी तो लगा कि कर्सन ने वो सारी राम शर्मा को भी उद्धृत कर दिया नामबर सिंह हमारे प्रोफेसर रहे उन्हें तो उद्धृत कर ही रहे थे और टारगेट भी कर रहे थे तो मैं जे के ग्रुप में यह साझा कर रही थी कि देखो भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और जब हम साक्षात्कार देने जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि आपके गाइड कौन है तो हमारे साथ यह समस्या होती है ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है बताएं कि नहीं बताएं जैसे ही जानेंगे कि प्रोफेसर वीरभारत तलवार हैं या प्रोफेसर चमन लाल हैं तो पता नहीं माहौल कैसा होगा और आज हम उसी माहौल में जी रहे हैं यहाँ किसी खास जगह को टारगेट किया जा रहा है उस खास जगह में आपका देश भारत भी है जहाँ बहुत सारे टारगेट्स पॉइंट हैं और आपके लेखक का जो यह कहा जा रहा था कि उपेक्षा हुई है तो यह बताने की बार बार जरूरत है ही नहीं कि उपेक्षा नहीं हुई है उपेक्षा तो हुई है भाई रेनू की भी उपेक्षा हुई और चंद्रकिशोर जायसवाल जी की भी उपेक्षा हुई नहीं तो इतना लिख लेने के बाद और आ, आ, पता नहीं कब कहा गया था कि इन पर बोलना है और इतना इनका लिखा हुआ है कि आप अपने आप को कह नहीं सकते कि हम इनके विशेषज्ञ हैं चंद्रकिशोर जायसवाल की रचनाओं के हम विशेषज्ञ हैं यह कहने में आपको ना जाने कितना समय लग जाएगा तो इन्हें लिखने में कि इनकी कितनी श्रम गई होगी कितनी ऊर्जा गई होगी यह सोचने की बात है और उस ऊर्जा का जब सम्मान नहीं होता है तो दुख तो होता है और हम जिस क्षेत्र से हैं वह एक मंचीय बात नहीं है यह बहुत ही गंभीर मामला है कि किनको सम्मान किया जाता है किनको उपेक्षा किनकी उपेक्षा की जाती है इस पर काफ़ी लिखा गया है बोला गया है बहरहाल जो हमारा आज का टॉपिक था है मतलब लोक और भाषा चंद्रकिशोर जायसवाल जी की कहानियों को ले लें या उपन्यास को ले लें या उनकी रचनाओं में तो मैं इस बोलने के क्रम में ही प्रोफेसर मैनेजर पांडे को सुन रही थी कल रात ऑल इंडिया रेडियो में उनका एक वक्तव्य विद्यार्थी चाहें तो सुन सकते हैं और मेरा मैं जब भी बोलने कहीं जाती हूँ तो मेरा आ, मेरी यह चाहत दिली इच्छा होती है कि मैं विद्यार्थियों से ही रूबरू ब क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जितने भी विशेषज्ञ आए हुए हैं वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं तो आ, अगर मैं किसी को यहाँ पर कुछ दे सकती हूँ मेरा कुछ दे होगा तो वो मेरे विद्यार्थियों के लिए ही होगा या इस स्कूल के विद्यार्थी यहाँ पर हैं तो लोक की बात जो की गई थी कि किसी आ, आ, लोक हृदय लोक क्या है लोक किसी सृजनात्मक कला का लोकप्रिय होना कोई भी कला युग निरपेक्ष नहीं हो सकता युग सापेक्ष होने के लिए अपने देश काल को समझना चाहिए लोक हृदय में लीन होना सृजनात्मक कला का लक्ष्य होता है यह शुक्ल जी ने कहा अगर आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़े हैं तो आप जान रहे हैं जब जायसवाल जी की रचनाओं को हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ते पढ़ते रेणु जी याद आ जाते हैं मैं इनका कम आ, उनकी तुलना रेणु जी से नहीं कर रही हूँ करना भी नहीं चाहिए कि आ, सारे साहित्यकार सारे आ, रचनाकार अपने आप में विशेष हैं जैसे हर मनुष्य विशेष है वैसे ही हर रचनाकार भी विशेष है लेकिन जब हम आ, आ, उन्होंने खुद ही आ, आजकल के साक्षात्कार में यह बोला है कि आ, हमारी रचना की पृष्ठभूमि एक है एक ही जमीन है एक ही जगह से जुड़े हुए हैं अगर मैं आ, कथाकार संजय सिंह को पढ़ूं, अगर मैं कथाकार अभी आपके पूर्व वक्ता जो बोल के गए उनको पढ़ूं, या चंद्रकिशोर जायसवाल जी को पढ़ूं, या रेणू को पढ़ूं, या अनूपलाल मंडल को पढ़ूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक ही धरातल से ली गई हैं एक ही धरातल की उपज है तो एक जैसा होना तो मिलेगा ही एक जैसा आपको रेनू के यहाँ जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी लोक लोकवृतियाँ हैं लोक गान हैं जो कि खासकर मैं जब क्लास में होती हूँ तो बोलती हूँ कि जो आप लोग मिथिला के बच्चे हैं वो अपने आप को विद्यापति या ऐसी जब चर्चा होती है कहानियों में तो उससे ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाते हैं यहाँ पे देखिए एक कहानी में जो जिसमें घेघू पात्र का जिक्र है नक नकबेसर कागा ले भागा उसमें एक गाना का है तोरे झांझर घुघटवा के पार गोरिया चमके चंदा समुकरा तोहार गोरिया शुरुआत यहाँ से है घेघु रनिया के प्रति आकर्षण उसे देखकर यह गाता है वह आकर्षित होता है और यह गाता है घेघू की मन की भावनाओं को लेखक ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कोट कर रही हूँ मैं एक नई दुनिया बिल्कुल उसके पास चली आई थी आओ घेघू इसमें वास करो किसी दिन एक तीसरा भी दाखिल हो जाएगा केहूँ केहूँ जब वह चांद के लिए हट करेगा तो घेघू आकाश से तोड़कर चांद ला देगा आप रस रसप्रिया की नायिका को याद कीजिए जो ये गेहूँ केहूँ शब्द है और रसप्रिया में जिस तरह से शब्दों का बार बार प्रयोग होता है वो आपको लगेगा कि आप रेणु जी के बाद की यात्रा कथा में कर रहे हैं यह मैं जोड़ना चाह रही थी प्रेम की जहाँ तक बात है आ, आ, घेगू के प्रेम में पवित्रता थी और कामना में निश्चलता परंतु उसके अंदर वह भावुकता ना थी जो एक प्रेमी को पागल बना देती है यह उसी किताब से है आ, उसे इस बात का भान था कि जीवन के लिए प्रेम है प्रेम के लिए जीवन नहीं अपने घेगा के कारण ही वह रोज़ पाँच दस रुपये कमा लेता प्रेम का जो यह रूप है साथियों प्रेम प्रेम पे ना जाने कितने महाकाव्य लिख दिए गए सिर्फ या आप रतन सेन को देखिए उसने तो फोटो दे सिर्फ वर्णन सुन के वो राजपाठ छोड़ के वो चला जाता है अपनी प्रेमिका के पीछे राजपाठ छोड़ने सर्वस्व त्याग कर देने की जो वह बात है वह उस जो यथार्थ की बात अभी सर कर रहे थे यथार्थ उस यथार्थ को चंद्रकिशोर जायसवाल जी पहचानते हैं कि प्रेम प्रेम उसका पेट नहीं भरेगा वह क्रूप है वह अष्टावक्र है लेकिन वह अष्टावक्र मैं अष्टावक्र से तुलना नहीं करूँगी वो महान विद्वान थे लेकिन जो कुरूपता उसकी शारीरिक कुरूपता है वह उसकी पूंजी है और वह अपनी पूंजी प्रेम के लिए खोना नहीं चाह रहा है वह वा यथार्थवादी इस इस यथार्थ के धरातल पर वह बात कर रहा है इस यथार्थ को प्रेम के जो मर्म है से कैसे कथानक को यथार्थ पर लाकर ख़त्म करना है प्रेम का रूप भी दिखा दिया उन्होंने और यथार्थ को भी दिखला दिया यह चीज़ मुझे लगता है कि जायसवाल जी की खूबी है लिखने की मिल्टन ने एक जगह लिखा है कविता के मामले में हालांकि कि आ, सीधी साधी संबंध कविता कैसी होनी चाहिए उसके बारे में कि वह सीधी साधी हो संवेदनशील हो और गहरी चाह हमें पगी हुई हो संवेदनशीलता सवे, की बात कर्ण सिंह जी बार बार कर रहे थे आ, सीधी साधी हो यह जो लोक की बात है लोक के लोग सीधे साधे ही होते हैं सरल होते हैं सहज होते हैं जिनको कि अगर गोदान को याद करिए गोदान चूंकि मैंने पीएचडी किया है तो मुझे कहीं बोलते हुए भी बार बार मैं याद कर लेती हूँ प्रेमचंद को वहाँ पे आ, हमारे गाइड प्रोफेसर वीर भारत तलवार कहा करते थे कि आप गांव के लोग को बड़ा सीधा समझते हैं है ना कि उनको तो ऐसे ही ठग लेंगे वो गांव की जो गोपियाँ हैं मुट्ठी भर छाछ पे नाच नचायो गोपाल को वैसा कुछ गांव के लोग इतने सीधे और सरल नहीं हैं वो आपको नचा देंगे है ना आप गोदान की गोदान के उस प्रसंग को याद कीजिए जब हीरा हो रही सॉरी वह बांस बेचता है उस बांस में भी गिनती में कुछ वो हेर फेर कर देता है है ना और एक कहानी अभी मैं भूल रही हूँ उसमें क्या है किसान रुई बेचता है कॉटन तो उस कॉटन में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी मिला देता है ताकि भार थोड़ा सा बढ़ जाए ज़्यादा नहीं अब देखिए कित कितना ही उसको मुनाफा होगा मुश्किल से चार रुपया पाँच रुपया कुछ इस तरह का लेकिन मुनाफा जितने सहज और सरल आप उन उन्हें समझते हैं भोला कि हम उसको तो ठग के निकल जाएंगे उतने सीधे वो होते नहीं हैं वो आपको ठग लेंगे और पता भी नहीं चलेगा आपको गांव की इस दृष्टि को बदलने की ज़रूरत है जो एसी में बैठ के जो जो आलोचक या कथाकार की बात अभी हो रही थी आ, या फिर जो समालोचक हैं या जो सोशोलॉजिस्ट हैं जैसे बड़े बड़े सोशोलॉजिस्ट ने जो लिखा है गांव के बारे में यहीं पे फाँक हो जाता है कि गांव की जो चक्रिय व्यवस्था है ऑर्गेनिक सिस्टम है उस सिस्टम को वो पकड़ नहीं पाते हैं और उस पर बात करते हैं गांव की उस चक्रीय व्यवस्था को रेणु बहुत गहरे स्तर पर पकड़ते हैं रेणु को गांव की उस व्यवस्था की बहुत महीन पकड़ है रामबिलास शर्मा जी का हवाला देते हुए कर्ण सिंह जी ने कहा था कि रेणु वो जो मार्क्सवादी उससे कि वो जमींदार की भी बात करते हैं जमींदार का हिमायत करते नज़र आते हैं महिलांचल या फिर परिकथा में हिमायत करते नहीं आप, क, नहीं करते जब गांव की बात आप गोदान को ही पढ़िए आप गोदान में राय साहब और इसका आ, होरी का संवाद होता है होरी होरी को वह अपना दुखरा रोता है आ, राय साहब और यह गांव की हकीकत है इस चीज़ को आपको समझना होगा कि एक एक रचनाकार जिस गांव जिस जगह से रह रहा है उस गांव की चक्रिय व्यवस्था को समझ रहा है तो वह अपनी रचना में उसको लिखेगा उससे बच के नहीं चला जाएगा उससे जो बचता है चाहे वह विचारधारा के स्तर पर मार्क्सवादी साहित्य हो कि हाँ हम सिर्फ दलित संघर्ष की बात करेंगे और शोषण में संघर्ष देखेंगे लेकिन एक खास वर्ग को हम तवज्जो नहीं देंगे उसका उसका एक अलग फिर कथा विन्यास बनता है जिसके बारे में इन्होंने काफ़ी बात की थी उपन्यास में लोक जीवन की बात पर कि उपन्यास और लोक जीवन में रैल फॉक्स ने बहुत गह आ, आ, लिखा है वो कहते हैं कि लेखक और जनता के बीच मैं कोट कर रही हूँ रैल फॉक्स की किताब से लेखक और जनता के बीच एक विचित्र और पेचीदा संबंध है यह केवल लेखक और पाठक का ही संबंध नहीं है बल्कि इससे कहीं बड़ी चीज है कारण कि जनता में विभिन्न श्रेणियों विविध हितों अनुराग आकांक्षाओं और विभिन्न बौद्धिक स्तर वाले सभी प्रकार के स्त्री पुरुष होते हैं यह जनता चाहे वह ऊपर से देखने में कितनी ही उदासीन और निष्क्रिय क्यों न लगती हो प्रचंड वर्ग संघर्षों राष्ट्रीय और जातीय पूर्वाग्रहों तथा मानवता के जीवन में अपनी अनिवार्य गति से आगे बढ़ते हुए इतिहास की विरासत से आंदोलित होती रहती है जनता के बीच से ही लेखक अपने पात्रों को लेता है और उसके पाठक भी जनता के बीच ही मिलते हैं जनता के बीच और इतिहास के बाद जो हाँ जो रैल फॉक्स अभी बता रहे थे कधरन में पढ़ रही थी उस इतिहास को पकड़ने की उस इतिहास को बहुत महीन स्तर से जायसवाल जा जी पकड़ते हैं आप पलटनिया उपन्यास इनका पढ़िए मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं जब आप कोई उपन्यास लिखते हैं तो आपके मन में विचार एक खाका तो तैयार करना ही होता इतना बड़ा उपन्यास और इनका उपन्यास बारह सौ पृष्ठों का तो बिना खाका बनाए हुए तो आप लिख ही नहीं सकते हैं सौ सौ पचास पेज का अगर कोई लिखे तो एक एक उसमें मान लीजिए कि लिख लिख गया दो चार दिन में लेकिन जब बारह सौ पृष्ठों का उपन्यास चार सौ पाँच सौ छः सौ पृष्ठों का उपन्यास कोई लिख रहे हैं तो पता नहीं कितना बार उनको खाका बदलना पड़ा होगा कितनी बार चीज़ों को नई दृष्टि से देखने की कोशिश की होगी इन्होंने तो पलटनिया में मुझे सबसे ज़्यादा जो लगा कि मैं अगर बोलूँगी तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात की पलटनिया में इतिहास की उसी तत्व को जायसवाल जी पकड़ते हैं कि किस तरह से गांव शहर तो बदला था पहले भी विचारधारा के स्तर पर और जिस भी स्तर पर कस्बा भी बदल रहा था लेकिन गांव किस तरह से गांव में ऐतिहासिक एति, स्तर पर किस तरह से बदलाव हो रही है उस चीज़ को पलटनिया में दिखाया गया है पलटनिया उपन्यास जब आप देखेंगे तो एक निर्भय सिंह हैं पात्र का नाम मैं भूल सकती हूँ समझिए कि कोई ए बी सी सिंह है वो कह रहे हैं कि आ, हमारे गांव का इतिहास लिखो और उस इतिहास में किस तरह से बदलाव करना है हमारे एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर देवेंद्र चौबे वो बार बार इतिहास और आलोचना जब पढ़ाते थे तो कहते थे कि जिस जिसके हाथ में सत्ता होती है वह अपने अनुसार इतिहास की रचना करवाता है वह चाहे तो आपको आ, हरिश्चंद्र को डाकू बना दे और वह चाहे तो डाकू को हरिश्चंद्र बना दे तो सत्ता में इतनी क्षमता होती है और ऐसा होता रहे आप इस उपन्यास में देखिएगा कि कैसे कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्रता के समय जो लोग आ, चोर थे डाकू थे या राहगीर थे वो बस जेल किसी तरह अंग्रेज के समय जेल चले गए थे उन्हें कहा कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी बना दो इतिहास ऐसे बदलेगा तो लिखने से इतिहास बदल रहा है और वो लिखने की क्षमता किस खास वर्ग के पास रही है सदियों से यह बताने की जरूरत नहीं उस ख़ास वर्ग को लोकेट करते हैं चंद्रकिशोर जायसवाल जी और उस खास बार इनके हर उपन्यास में मुझे लगता है कि यह यह जो चेतना है यह चेतना मुखर रूप में आती है कि कौन ऐसा वर्ग है जिसमें किस तरह की मतलब वर्गीय जब चेतना आ रही है तो उसमें जो शुरुआत में जैसे जो जमींदार थे या राय साहब जैसे लोग थे उनके पास तो सत्ता थी ही सत्ता का सत्ता किस तरह से नीचे के लोगों में जा रही है खासकर पंचायती व्यवस्था के बाद सत्ता का स्थानांतरण किस तरह से हुआ है और उस स्थानांतरण का स्वरूप किस तरह से गांव में बदला है यह चीज़ भी आप पलटनिया जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे वर्गों का छोटे छोटे जातियों में छत्र उभर रहे हैं यादवों का अलग वर्चस्व बढ़ रहा है कुर्मी का अलग वर्चस्व बढ़ रहा है या जो मिसर जी हैं उन अब देखिए जो पलटनिया उपन्यास में जो सिंह साहब हैं वो अंतिम में यही दिखाया गया है ना कि सिंह साहब अपनी बेटी का विवाह मिसर जी के बेटा से करना चाहते हैं है ना? यह एक गांव के लिए बहुत बड़ी परिघटना है कि कोई राजपूत अपनी बेटी का विवाह किसी शाह से कर दे लेकिन उसी उपन्यास में यह भी कहा जा रहा है कि भाई बाहर तो ऐसा खूब होता है देखो जो यूपीएससी कर गया जो साहब बन गए कलेक्टर बन गए वो कहाँ कोई जाति देखते हैं वह तो बिना जाति देखे लड़कियाँ खड़ी रहती हैं शादी करने के लिए तैयार रहती हैं गाँव में तुम्हें वह अपने भतीजा को ऐसे समझाता है कि तुम्हें ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है ज़माना बदल रहा है ज़माना वहाँ भी पलटनियाँ खा रहा है ज़माना उस जगह भी पलटनिया खा रहा है जब सोल लड़कियों के साथ राजपूत ऐसे वो कहा नहीं गया है लेकिन गांव के दबंग जब बलात्कार करते हैं या उनकी लड़कियों के साथ दैहिक संसर्ग करते हैं तो वह डॉक्टर के पास नहीं जाती है बच्चा गिराने के लिए बल्कि अपने हक हकूक की मांग करती है जमाना वहाँ भी पलट रहा है और, और इसको बड़ी कथा के स्तर पर जायसवाल जी ने दिखाया है कि किस तरह से ग्रामीण व्यवस्था में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है यह मुझे लगा कि ये आ, मैं रेखांकित करूँ स्त्री के लिहाज से या स्त्री दलित के लिहाज से आ, दलित स्त्री के लिहाज से गोदान में भी आप देखिए जिस चीज़ को जायसवाल जी अभी कह रहे हैं पलटनिया में हालांकि इनका भी बहुत पुराना उपन्यास है जिस चीज़ को प्रेमचंद ने भी बहुत पहले कह दिया है गोदान में आप सीलिया प्रसंग देखिए या मैला आंचल में ही सहदेव मिसर का प्रसंग है सहदेव मिसर और उसका कि हालांकि उस दोनों प्रसंग में थोड़ा अंतर है सहदेव मिसर और फुलिया का जो प्रसंग है उसमें वह डर रही है क्योंकि उसके ज़मीन का जो कागज़ है वह फुलदेव वो मिसर सहदेव मिसर के पास है और वह नहीं बोलती है कि मेरे पास रात में कौन आके सो गया मुझे बाद में मेरी नींद खुली लेकिन सीलिया और प्रेमचंद के यहाँ जो सीलिया प्रसंग है दाता दीन माता दीन सीलिया प्रसंग वहाँ पूरा का पूरा गांव मुखर है और वह अपना हक के लिए बात कर रहा है कि तुम्हें सोने में इसके साथ कोई समस्या नहीं होती है लेकिन छुआछूत वहाँ होता है जहाँ खान पी खाने पीने की बात हो या फिर अगर मुदा तुम अगर तुम्हारे समाज में तुम हमें चक्रीय व्यवस्था में ऊपरी पायदान पे नहीं ला सकते मुदा तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते तो हम तुम्हें चमार बना देंगे और कहकर उसके मुंह में हड्डी डाल देता है तो यह जो आ, 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 यह जो बेचैनी है एक समाज के ग्रामीण समाज की वह बेचैनी ए या कहीं कृत्रिम ए अगर आज के ज़माने में ए उपन्यास लिखने लगे और लिखेंगे दस साल में आप देखिएगा ए का मशीन अब उपन्यास या कहानियाँ भी लिखेगा तो उसे यह चीज़ नहीं जमीनी हकीकत ऐसी वह नहीं पकड़ पाएगा इस ज़मीनी हकीकत को प्रेमचंद के बाद अगर रेणु और उस परंपरा में मैं देखूं प्रेमचंद की परंपरा में रेणु नहीं है लेकिन दलित और स्त्री मुद्दे से देखते हुए मैं बोलूं तो जायसवाल जी की कहानियों में या उनके उपन्यास में मुझे देखने को यह मिला बोलने के लिए और भी बहुत कुछ हैं अंतिम वक्ता के पास बोलने के लिए पता नहीं क्या क्या बचता है नहीं मैं झिलाऊंगी ज़्यादा कुछ और भी बोलना चाह रही थी सबातन प्रसंग से फिर भी मुझे लगता है कि आ, चंद्रकिशोर किशोर जायसवाल जी के यहाँ एक पूरा का पूरा लोक जीता है और भाषा के स्तर पर वह आ, आ, जिस आ, आम जनजीवन की भाषा है उसको वो बनावटी रूप में कहीं पेश नहीं करते हैं ऐसा कहीं उनके उपन्यास को दे के हाँ यह मुझे ज़रूर लगा ये आ, मैं सर के उपन्यास के बारे में भी बोलती रही हूँ कि दोहराव बहुत होता है मोटे उपन्यास की समस्या यह है कि ऐसा लगेगा आपको कि कथा का दोहराव बार बार हो रहा है इसे तो हम थोड़ी देर पहले भी इस चीज़ को पढ़ रहे थे वो चीज़ अगर इस पेज में ये पूरा का पूरा अगर निकाल भी दिया जाता तो चल जाता उपन्यास बन जाता इ, आ, मैं ये कहने के दृष्टता नहीं करूं, करूंगी अब कि उपन्यास छोटा हो या क्या हो यह मुझे एक पाठक के तौर पे लगा आ, मैं पुनः सर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और लहक परिवार को भी बधाई देती हूँ कि उन्होंने का सम्मान किया धन्यवाद आप सभी का आपने अपने वक्तव्य में जनता के बीच लोक की उपस्थिति का बखूबी जिक्र किया अब अगली कड़ी में मैं श्री गौरी शंकर पुवोत्री जी को आमंत्रित करती हूँ जो भारतीय रेलवे सेवा से सेवा सेवानिर्भृित हैं सर कृपया आइए। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं और न ही अपनी प्रदर्शित करने यहां आया हूं मेरी नजर में चंद किशोर सवाल क्या हैं? मैं थोड़ा सा उसी पर प्रकाश आप विद्वानों की बात सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत सारी प्रेरणाएं ग्रहण की मैं जयसवाल जी के इस बोर्ड ये जो मोनोग्राम यहाँ पर है सबसे पहले तो मैं इस पर उंगली उठाना चाहूँगा जिसमें लिखा है तो पूर्णिया के प्रख्यात लेखक क्या जायसवाल जी सिर्फ पूर्णिया के प्रख्यात लेखक हैं जायसवाल जी का पूर्णिया के अलावा और कोई महत्व तो नहीं था मेरा मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ है इस तरह का ये नहीं लिखा जाना चाहिए वो जो अढ़ाई हजार से ज़्यादा चिट्ठियाँ आई थी धर्मयुग कार्यालय में वो क्या पूर्णिया से ही थी सारी जयसवाल जी की कीर्ति कहाँ कहाँ है और पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में जयसवाल जी अंकित हैं उन्हें सिर्फ पूर्णिया का प्रख्यात लेखक बता देना एक तरह का उनके कद को छोटा करना है दूसरी बात इन्होंने लहक सम्मान वाली बात जो है वो बहुत अच्छा लगा सुन करके और सिर्फ इकबाल की एक पंक्ति याद आ गई जो हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा आज वही दीदावर पैदा हुआ है इसकी ज़रूरत है जयसवाल जी को पहचानने में हिंदी साहित्य का खेमों में बटा हुआ है यहाँ दिक्कत ये है कि जयसवाल जी कभी नहीं कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं जयसवाल जी कभी नहीं कहते कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं फिर भी ये पुरस्कृत हो रहे माने दिक्कत ये है इनके साथ लोग यहाँ साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल जाता है यह कह करके कि मैं ओबीसी हूं मैं ऐसा कहने की दृष्टा कर रहा हूँ कि हाल में यही घटना घटी है समझे ना, अब आता हूँ मैं जैसवाल जी को पहचानने पर तो जैसवाल जी की पहचान मेरी मुझे लगता है ये खगोलीय घटना घटी थी 1978 में खगोलीय घटना कैसे घटी हमारे यहाँ छठ पर्व मनाया जाता है आप लोग जानते हैं और वो छठ पर्व में सूर्य एक सूर्य अस्त होता है अगले दिन एक सूर्य का उदय होता है और हमारी पूजा संपन्न होती है बहुत ही पवित्र त्यौहार है छठ उन्नीस में यही हुआ था 1977 में हमारा एक सूर्य अस्त हो गया था रेणु जी की मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को हुई और 1978 में हिंदी साहित्य में तहलका मचाने चले आते हैं चंद्रकिशोर जायसवाल उन्नीस इनका डेब्यू वर्ष है तीन कहानियां उन्नीस में इनकी प्रकाशित हुई एक वृत्त इन्होंने कहानी पत्रिका को भेजी थी और पहली कहानी पुरस्कृत हो गई श्रीपत राय थे उन्होंने पुरस्कृत किया दूसरी कहानी हुज्जत कट हुजत और तीसरी कहानी तो मत पूछिए तीसरी कहानी ने आंचलिकता की एक नई परिभाषा लिख दी नकबेसर कागा ले भागा उसमें जो आंचलिकता है उसके पहले कभी वो किसी की रचना में प्रकट नहीं हुआ था विकलांग लोगों की एक कॉलोनी है भीख मांगने वाले भीख की कॉलोनी है वहां भी कुछ सरगर्मियाँ हो रही हैं हाँ? और उन सरगर्मियों को पहचानने वाला कौन था अगर चंद्र किशोर जायसवाल नहीं होते कौन जानता कि घेघू भी प्यार कर सकता है कौन जानता रनि रनिया रन्य, भी किसी नकवेसर का हकदार हो सकती है ये हमारे जायसवाल जी के आने से हुआ और इसलिए मैंने कहा ना सतहत्तर में रेणु जी का जाना उन्नीस से फिर साहित्य की लीग को पकड़ लेना जायसवाल जी ने जो किया उसके बाद तो इनकी कई कहानियां हैं मैं कुरैठा स्टेशन में पदस्थापित था और हमारे सुमन जी यहाँ बैठे हैं सदानंद सुमन उस समय सरोकार नाम की एक पत्रिका निकाला करते थे सरोकार पत्रिका बाद में बंद हो गई किसी कारण से लेकिन बहुत स्तरीय पत्रिका थी उसमें एक कहानी छपी थी इनकी टेढ़े गाज की छाया जयसवाल जी की कहानी और उस टेढ़े गाज की छाया हम वहाँ बैठ कर स्टेशन में ड्यूटी करते थे और कटिहार के एक पत्रकार थे सुकुमार सिंह झा उनका कामत था में तो आते थे तो वहीं हमारे पास बैठा करते थे उनकी उनकी नज़र पड़ गई सरोकार पर तो उन्होंने हमसे मांग लिया पढ़ने के लिए और वही कहानी टेढ़े गाज की छाया उन्होंने पढ़ना शुरू किया पढ़ते पढ़ते जब कहानी का अंत हुआ तो रो रहे थे फपक फपक कर रो रहे थे कहानी का ऐसा प्रभाव मैंने पहली बार देखा ये था ये इनकी कलम का जादू है उस कहानी की चर्चा बहुत कम लोग करते हैं लेकिन मैं कर रहा हूँ आप लोगों से भी निवेदन है जी एक बार उसको भी पढ़िए टेढ़े गाछ की छाया को देखिएगा जी क्या मर्म है उस कहानी में मैं बहुत सारी मैंने इन इन लोगों ने दार्शनिकता की बातें की बहुत बातें हुई हैं और कुछ लोग लेखकों से ये उम्मीद लगा बैठते हैं कि ये जो आपने लिखा है ये तो बड़ा सामंती सोच है इसमें ना ये दरअसल साहित्य है क्या भाई साहित्य तो एक दर्पण है जिसमें समाज दिखता है और उस दर्पण में जैसा समाज है वैसा ही तो दिखेगा आप उस पर यह आरोप कैसे लगा सकते हैं कि यह किसी खास सोच के विरोध में या खास सोच के पक्ष में है ये गलत बात है मेरे हिसाब से काशीनाथ सिंह ने कहा हम जो लिख रहे हैं वह इस सोच के साथ लिख रहे हैं हम कि लोगों में हम कहीं किसी कहीं क्रांति हम नहीं कर सकते हैं लेकिन क्रांति धर्मा लोग जो हैं उसके अंदर एक समझ पैदा कर सकते हैं ये काशीनाथ सिंह का कहना है और मुझे ये बहुत सही लग रहा है कि कोई भी लेखक जो लिखता है वो आपके अंदर एक सोच पैदा करने के लिए लिखता है ताकि आप खुद सजग होकर के अपना फैसला कर सकिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं बहुत दिनों से अस्वस्थ भी, रहा हूं। पर भी लूंगा। सर। आपने चंद्र किशोर जायसवाल जी की रचनाओं में समाज की सामाजिकता का जिक्र किया चाहे वह विकलांग जन हो या वृद्ध वर्ग हो अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार सर को आमंत्रित करती हूँ जो कि वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में कार्यरत हैं सर कृपयाँ धन्यवाद सर्वप्रथम मान बहादुर सिंह की स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं सम्मान प्राप्त लेखक माननीय हिंदी के महान कथाकार श्री चंद्र किशोर जायसवाल जी को भी नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ उनकी रचनाओं का सम्मान करता हूँ और आज बड़े गर्व की बात है कि इस पूर्णिया की धरती पर हम एक बेहद सार्थक संवाद करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं आज का जो विषय है हिंदी साहित्य का लोक और भाषा सत्ता इस पर दो बातें कहूँगा अंतिम वक्ताओं के लिए यही परेशानी होती है कि शुरुआत के कई वक्ताओं ने इतनी सारी बातें कह दी हैं कि हमारे पास कुछ चंद बातें ही कहने को शेष रह गई हैं भाषा सत्ता और लोक पर बात करते हुए मैं सर्वप्रथम भक्ति काल की बात करूंगा जब कबीर कहते हैं संस्कृत है, है कूपजल भाखा बहतानीर दो चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं लोक और शिष्ट साहित्य इससे पहले भी चर्चा हुई थी मैं ये बस जोड़ना चाहूँगा जब जब शिष्ट साहित्य चूक जाता है तब लोग ही समाज को पूर्णता में अभिव्यक्त करता है और यह बात भक्ति काल से लेके आज तक हर युग और हर क्षेत्र में लागू होते हुए आपको दिखाई पड़ेगा मैं सिर्फ साहित्य की ही बात नहीं कह रहा हूँ आप देखें फिल्मों के गानों से लेकर के तमाम जो नई नई चीज़ें बन रही हैं नए जो आभूषण कला के तमाम उपादानों में देखिए जो लोक में चीज़ें पहले प्रचलित थी वही फिर से चलन में आ रही है चूँकि शिष्ट साहित्य या जो एक मानकीकृत जो साहित्य या कला रूप है एक समय के बाद मृत हो जाती है लेकिन लोक जो है हमेशा कालजयी होता है यहाँ मैं अमृत शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा कालजीवी और कालजयी शब्द पर बल देना चाहूँगा कि जो चीज़ें कालजयी होंगी व जो चीज़ें कालजीवी होंगी वही कालजयी होंगी और लोग हमेशा से कालजीवी होता है इसी के साथ मैं कबीर के दोहे के साथ फिर से दो तीन बातें हैं जल्द ही अपनी बात को समाप्त करूँगा कबीर का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि सुखिया सब संसार है खावे और सोबे दुखिया दास कबीर है जागे और रोबे कबीर की चिंता जो है कबीर का जो रुदन है वो सिर्फ़ एक संत का रुदन नहीं है वो एक गंभीर नागरिक का रुदन है एक चेतन नागरिक एक चेतन कलाकार का रुदन है और वह रुदन हमें चंद्रकिशोर जायसवाल जी की रचनाओं में भी दिखाई पड़ता है मैं इसकी चर्चा दुख ग्राम के संदर्भ में थोड़ा करना चाहूँगा दुखग्राम ग्राम में जो दादा की चिंता है जो पोते मयंक को लेकर जो दादा की चिंता है वह उसी रुदन का प्रतीक है उस विकलांगता के प्रति जो समाज की जो उपेक्षा हो रही है उसके खिलाफ़ जो रुदन है और उस रुदन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ रोना है रोना ही नहीं है बल्कि उस रुदन में जो सामाजिक संवेदनशीलता को उजागर करना यह सबसे बड़ी बात है उस उस पूरे रचना को पढ़ने के बाद आपके भीतर कहीं ना कहीं एक संवेदनशीलता आपको सोचने पर विचार करने पर आपके मानस को बार बार कचोटती है कि हम क्या विकलांग के प्रति जो हमारा रवैया है हमारे समाज का जो रवैया है कितना उदार है कितना संवेदनशील है और एक दो बातें मैं और कहूंगा नकबेसर कागा ले भागा बड़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी और जब हम पढ़ते हैं तो मुझे पढ़ते हुए अमरकांत का रजवा याद आ जाता है ज़िंदगी और जोंक का जो रजवा है उसके भीतर भी प्रेम किस प्रकार से एक ऐसे उपेक्षित पात्र को भी प्रेम व्याप सकता है प्रेम हो सकता है इसका और व्यापक उदाहरण नक बेसर कागा ले भागा कहानी में हमें दिखाई पड़ता है रजुआ में बड़े एक संदर्भ मतलब उस रूप में वहाँ पर भी कहानी है जिसके बारे में लोग सोचते हैं बड़ा उपेक्षित बात है रजुआ और उसको प्रेम नहीं हो सकता है लोग सोचते हैं अरे इसको क्या किसी से प्रेम नहीं हो सकता है लेकिन नकबेसर कागा ले भागा में जो घेघू है उसमें भी जो प्रेम की वो जो चेतना है वस्तुतः प्रेम एक, एक ऐसी विषय वस्तु है मैं उस पर जोर भी देता हूँ कि इस पर सबसे ज़्यादा रचनाएँ भी की गई हैं और हर व्यक्ति के भीतर चाहे वह कितना कठोर हो उपेक्षित हो निर्मम हो उदार हो जितनी भी श्रेणियां हो सकती है मनुष्य की उन सभी मनुष्यों में प्रेम में कैसा तत्व है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में मौजूद होता है बस उसे आपको टच करना होता है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इग्नाइट करना होता है आपको बस एक लॉ लगानी होती है और नकबेसर कागा ले भागा कहानी भी उसी प्रेम तत्व को इग्नाइट करने पर जोड़ देती है लेकिन फिर उस रनिया का इनकार कर देना जो अंत है उस रनिया के इनकार से है जो फिर से उसी सामाजिक संवेदनशीलता पर आकर खड़ी होती है कि क्या समाज उस विकलांग और जो घेघा है उसके प्रति कितना संवेदनशील है आप देखिए मैंने कबीर के जो जिस दोहे की बात की और फिर इस कहानी के भी अंत को आप लें तो कहीं ना कहीं वही संवेदनशीलता की तलाश करते उसी मनुष्यता की तलाश है और सर ने अपने इंटरव्यू में जब देख रहा था क्योंकि मैंने बहुत कम पढ़ा था इससे पहले इधर कुछ हाल के दिनों में मैंने सर की रचनाओं को पढ़ने का कार्य किया है देखने का कार्य किया है तब मुझे वो त्वरा इसमें दिखी है लेकिन हिंदी अकादमिक जगत अभी तक एक बड़ा वर्ग हिंदी अकादमिक जगत का जो रचनाओं को बनाने बिगाड़ने और तमाम सारी चीज़ों के लिए उत्तरदायी है वह जगत इनकी रचनाओं से अछूता रहा है पाठक वर्ग शोधार्थियों का वर्ग इनकी रचनाओं से अछूता रहा है इसके लिए हम सब कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं और थोड़ी सी चर्चा पाठक वर्ग वास्तव में पाठक सबसे अमूल्य निधि होता है रचनाकार के लिए लेकिन रचना और आलोचना दोनों एक दूसरे के साथ चलती है अगर रामविलास शर्मा ने जिन जिन कवियों रचनाकारों पर लिखा आज के डेट में वो सभी रचनाकार कवि अमर हो गए और जिन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया रामविलास जी ने मुक्तिबोध को नई कविता और अस्तित्ववाद में जब रामविलास जी ने उन पर थोड़ी सी टीका टिप्पणी की थोड़ी सी सिजोफ्रेनिक बताया तो आज तक उसको सिद्ध करने में आलोचक लगे हुए हैं एक आलोचक रचनाओं को कालजयी बनाने में कहीं न कहीं उत्तरदायी होता है और रचना के साथ साथ उसकी जो है सही दृष्टिकोण से आलोचना होना भी जरूरी है इसीलिए हम देख रहे हैं चालीस वर्षों से एक महान कथाकार के रूप में चंद्रकिशोर किशोर जायसवाल जी की रचनाएं हम सब के मानस में हैं और हमारे सामने हैं लेकिन फिर भी हिंदी का जो व्यापक जगत है जिसको हम कहते हैं कि बड़ा व्यापक है कई सारे राज्य के लोग हैं लेकिन उन व्यापक जगत में भी कहीं ना कहीं एक संकुचित दृष्टिकोण व्यापा है इनकी रचनाओं के ऊपर एक दो बातें और कहूंगा इनकी रचनाओं में जो लोक है जिस लोक की बात हम देखते हैं रेणु जी की रचनाओं में और भी कई एक नई कहानी कार नए कहानी आंदोलन से आप लोग जानते होंगे कमलेश्वर राजेंद्र यादव तमाम ऐसे रचनाकार निर्मल वर्मा मोहन राकेश उन रचनाकारों में जो यथार्थ है उस यथार्थ में मध्यवर्गीय जीवन अजनबी संतरास और तमाम वैसी चीज़ें हैं जिसमें जिसके केंद्र में कहीं ना कहीं नीरसता है उसके एक अलग उससे अलग राह बनाते हुए रेणु जी सरसता को कहानियों में आंचलिक कहानियों के माध्यम से मैं आंचलिक का टैग लगाकर कर रेणू जी को कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें कि डिमोट करने की कोशिश की गई प्रमोट नहीं कि हाँ रेणु जी इसी खास चौखटे के रचनाकार हैं वैसे ही चौखटा हम चंद्रकिशोर जायसवाल सर की भी रचनाओं पर बहुत लोगों को देखते हैं कि वो उस आंचलिकता उस लोक मैं कहता हूँ कि उस चौखटे के रचनाकार नहीं है इन्होंने जिंदगी को जितने करीब से देखा है ग्रामीण जीवन को चूंकि जो मानस बनता है लोगों का वो लोक से बनता है ये शिष्ट साहित्य के पास एक है कि माता पिता अलग हो रहे हैं लिव मी ये मेरा है आपने विल बना दिया वो अलग हो गए माता पिता को उन्होंने भेज दिया आ, कि आप जाइए जो वृद्धाश्रम है वहाँ रहते हैं वो सारी चीज़ें लेकिन उसमें वो ताना बाना नहीं है जो एक रचना के लिए बहुत कुछ ताने बाने की जरूरत होती है तब जाके रचना मुकम्मल होती है सीधे सपाट रचना नहीं होती है और वो ताना बाना हमको मिलता है लोक में इसीलिए लोक की जो रचनाएं हैं वो हमेशा से महत्वपूर्ण रही हैं और चंद्रकिशोर जायसवाल सर की रचनाओं में लोक हमें हर जगह अपने पूरे ताने बाने के साथ दिखाई पड़ता है अब मैं जो दुखिया दास कबीर इनकी रचना का भी नाम है और मैंने मैं कबीर का बड़ा प्रशंसक हूँ और उसकी जो एक जो सजग व्यक्ति होगा और समाज के सुख दुख को आत्मसात करेगा वह निश्चित तौर पर पागल हो जाएगा यह या, या फिर कह लीजिए कि वो अपनी आत्महत्या कर सकता है या उसको विक्षिप्त कहा जाएगा मैं एक शहादत हसन मंटो की रचना है टोबा टेक सिंह विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है और दुखिया दास कबीर का जो पात्र है वह भी तृतीय विश्वयुद्ध की एक कह लीजिए कि मतलब उस की आशंका से जो उसके वो बिल्कुल परेशान है यह परेशान वही हो सकता है जिसे राजनीति नहीं करनी यह परेशान कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं होगा यह यह जो परेशानी है यह जो विचित्रता उसी में व्यापेगी जो उस समाज के प्रति सजग है और वो दिल से उसके साथ जुड़ा हुआ है इसीलिए इस कहानी का पात्र भी दुखियादास कबीर की कहानी का जो नायक है वह विक्षिप्त लोग उसे विक्षिप्त के साथ देखते हैं मुक्तिबोध को भी लोग विक्षिप्तता के साथ देखे क्योंकि उनकी चेतना गहरे रूप में समाज के साथ जुड़ी हुई थी और जब जब जुड़ी होगी रचना तो आप विक्षिप्त साबित किए जाते रहेंगे और काफ़ी कुछ बोलने के लिए है और सर की एक बात के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा सर ने कहा था कि मनुष्यता को बचाने के लिए साहित्य बेहद ज़रूरी है साहित्य सिर्फ साहित्य लेखन के लिए नहीं या यथार्थ को प्रदर्शित करने के लिए नहीं है बल्कि उस यथार्थ में के बीच जो एक बोध है मनुष्यता का संवेदनशीलता का जो हमारे आज के समय में धीरे धीरे क्षरित होने रहा हो रहा है और उस मनुष्यता का जो सबसे ज़्यादा आग्रह हमें दिखाई पड़ता है वो लोक में दिखाई पड़ता है इसीलिए चूँकि वहाँ तमाम कष्ट तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच जो जीवन जीने के जी जी विषा है वह लोक में बहुत गहराई से मौजूद है इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ कि चंद्रशेखर जायसवाल सर की रचनाएं जो एक तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच मतलब विकलांग होते मनुष्यता के दौर में विकलांग होती मनुष्यता के दौर में मनुष्यता को बचाने की चीज़ है मनुष्यता को सहेजने और समेटने की वस्तु है इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ लहक परिवार और तमाम यहाँ मंचन और बाकी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद धन्यवाद सर वाकई में लोक साहित्य कालजयी होती है और इसमें रचना का महत्व रचनाकार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है अब अगली कड़ी में मैं डॉक्टर श्रीमंत जैनिन सर को आमंत्रित करती हूँ ये वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी सेंटर सहरसा में कार्यरत हैं सर कृपया आइए मंच पर उपस्थित प्रसिद्ध आलोचक करण सिंह चौहान जी विनय कुमार चौधरी जी और आजकल मेरे प्रिय कथाकार चंदकिशोर जायसवाल जी मन तो करता है कि मैं ये कह दूं कि अभी तक के जो वक्ताओं ने जो भी कहा उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं उसको भी मेरी बात समझ ली जाए और मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दूं। लेकिन कई बार वक्ताओं ने कहा कि मैं अंतिम वक्ता हूं तो मुझे लगता है मैं टीम से बाहर हूं बारवा प्लेयर हूं तो जैसे न्यूज चैनल में दस मिनट में सौ खबरें कही जाती है कुछ जो मेरे दिमाग में है वो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं पहला परिचय सर से फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट लिखा था अपने पी के दौरान तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप चंद्रकिशोर जायसवाल की एक कहानी नकवे कागा ले भागा पढ़िए और सर ने मुझे डाक से वो कहानी भेज दी और वहीं से जर्नी शुरू हुई चूंकि भिखारियों के ऊपर मेरा शोध था तो एक और कहानी है शैलेश मटियानी की दो दुखों का एक सुख और नकबेसर सर कागा ले भागा कई जगह इस सिलेबस में भी है और मुझे लगता है कि आजकल अस्मिताओं का दौर है नए नए विमर्श सामने आ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये दो कहानी मतलब जहां तक आज तक किसी की नज़र नहीं गई कि भिखारियों की भी एक प्रेम कहानी हो सकती है और कोई सतही प्रेम कहानी नहीं मैं दोनों जब मैं मैं नकवेसर कागा लेख भागा पढ़ता हूं तो मुझे वो दूसरी कहानी भी याद आती है शैलेश मटयानी की और मैं चमत्कृत रह जाता हूं काफ़ी इसकी चर्चा हो चुकी है इस कहानी की इसलिए दोहराना मुझे उचित नहीं लगता है सर के यहाँ जब मैं गया तो सर ने मुझे ढेर सारी किताबें दे दी है और कहा कि पढ़ना ही लेखक का सबसे बड़ा सम्मान है तो अभी मैं बहुत ज्यादा सर पर बोलने से बच रहा हूं चूँकि मैं चाह रहा हूं कि सर का समग्र जो है मैं पढ़ूँ और उसके बाद मैं इस पर बोलूं क्योंकि सर ने जो मुझे बात कही कि पढ़ना ही लेखक का सबसे बड़ा सम्मान है ये मुझे रोकता है इसी इलाके के एक कवि और आलोचक हुए हैं सुरेंद्र स्निग्ध उन्होंने कहा कि आजकल का जो साहित्य है वो दिल्ली मुखी हो गया है सारे रचनाकार दिल्ली की तरफ मुंह उठा के देखते हैं कि कोई आलोचक मुझे देखे और मुझे रिकॉग्नाइज करे मैं कहता हूं कि रेणु को पहचान दिलाने वाले नलिन विलोचन शर्मा बिहार के रहने वाले थे ऐसा क्यों ना हो कि हम लोग चंदकिशोर जायसवाल को पढ़ें उस पर आलोचना लिखें और उनको साहित्य के केंद्र में स्थापित करें हम दिल्ली की तरफ क्यों देखें हम बार बार उपेक्षा की बात क्यों करें उपेक्षा हुई है निश्चित तौर पर हुई है लेकिन सर से भी एक बार मेरी मुलाकात हुई सर ने कहा बिहार में अच्छे आलोचक नहीं है अच्छे रिसर्चर नहीं है तो सर मैं आपसे वादा करता हूँ इस मंच से हम लोग बिहार में नए नए नियुक्त हुए हैं आपको पता है आपने हमको हम लोगों को शुभकामनाएँ दी है कि हम अपने विद्यार्थियों से नए रिसर्च कराएंगे जो काम दिल्ली में हो रहा है इंटरनेट के युग में वो काम बिहार में क्यों नहीं हो सकता है हमारे बहुत सारे स्कॉलर यहाँ बैठे हुए हैं एक तो आपके ऊपर काम भी कर रही है तो हमें दिल्ली की तरफ देखने के बजाय अब बिहार को साहित्य का केंद्र बनाया जाना चाहिए और ऐसा हमने अतीत में किया है हम कर सकते हैं और नए संभावनाशील लोग बिहार में आ रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल मुझे नहीं लगता है सर ने एक जिक्र किया कि उनको उनकी जब फिल्म बनी या उनको जब सम्मान मिला तो मुंबई का अखबार ने उनके ऊपर लिखा लेकिन बिहार के अखबार ने उनके ऊपर नहीं लिखा आज पुष्पमित्र जी को आना था यहाँ लेकिन चूंकि बिहार में सरकार की गड़बड़ी की वजह से वो अपने मीडिया हाउस में फंसे हैं वो आते तो इस पर प्रकाश डालते और वो जिस तरह से साहित्य के बारे में लिखते हैं तो मुझे लगता है कि पत्रकारों को भी इस बारे में गंभीर होना चाहिए चंद्रकिशोर जायसवाल जी एक बात और कहते हैं कि साहित्यकार के सच्चे दोस्त मृत्यु के बाद पैदा होते हैं मुझे लगता है कि सर ये बात आक्रोश में कह रहे हैं या उनका एक दुख है क्या साहित्यकार अपने जीवन में वो सम्मान डिजर्व नहीं करता क्या उनको पहचान नहीं मिलना चाहिए जब दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को सम्मान मिल सकता है तो हम अपने बिहार के साहित्यकारों को वो सम्मान क्यों नहीं दे सकते ये मैं बार बार दोहराना चाहता हूं उनका जो उपन्यास है गवाह गैर हाजिर आज जब मैं रास्ते में आ रहा था तो बिने सर ने मुरलीगंज के एक साहित्यकार है बसंत जी उनकी एक पंक्ति सर ने कही उसको मैंने नोट कर लिया मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहता हूं लगने लगा है बिस्तर लगने लगा है बिस्तर अब बाहर दलान में बूढ़े के लिए अब नहीं है कमरा मकान में और जो आज वृद्ध विमर्श बुजुर्ग विमर्श हिंदी साहित्य में चल रहा है उसको बहुत पहले चंद्र किशोर जायसवाल जी ने पकड़ लिया और अब तो बाकायदा विमर्श है उस पर पत्रिकाओं का विशेषांक आ रहा है वृद्ध विमर्श को लेकर और हम लोग वापसी कहानी की याद आती है उषा प्रेमदा की कहानी गजाधर बाबू वाली और चंदकिशोर जायसवाल जी ने उनसे पहले इस तरह की कथा साहित्य की रचना की है उनका उनका जो उपन्यास है दुख ग्राम उनका भी जिक्र हुआ क्योंकि मेरा रिसर्च इसी चीज पर है नए विमर्शों पर विकलांगों को लेकर बहुत ज्यादा साहित्य लिखा गया और लोग कई बार विमर्श की आलोचना करते हैं कि अलग से इसकी ज़रूरत क्या है बड़े बड़े आलोचकों ने कहा अलग से स्त्री विमर्श की ज़रूरत क्या है अलग से दलित विमर्श की जरूरत क्या है अलग से वृद्ध विमर्श की ज़रूरत क्या है विकलांग विमर्श की जरूरत क्या है साहित्य तो साहित्य होता है उसको कैटेगरी में बांटने की ज़रूरत क्या है उसको अलग से आरक्षण देने की ज़रूरत क्या है लेकिन आप देखिए जब कैटेगरी में बांटा गया है अलग अलग तभी इस पर बात शुरू हुई है आज जिस तरह से दुखग्राम का मूल्यांकन हो रहा है शायद पहले उसका मूल्यांकन नहीं हुआ अब नए नजरिए से उसको देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त को उन्होंने पढ़ लिया है चूंकि मैंने वादा किया मैं दस मिनट में सौ बुलेट पॉइंट बोलूंगा फटाफट मैं अपनी बातें कह देना चाहता हूं मुझे एक चीज से और आपत्ति जैसे ही चंदकिशोर जायसवाल का जिक्र होता है रेणु आ जाते हैं सुरेंद्र सिंह का एक उपन्यास है छारण ठीक ठाक उपन्यास है लेकिन उसको लोगों ने रेनू की कॉपी कहकर खारिज कर दिया कि मैं की कॉपी लगती है अब दिक्कत क्या है कि रेणु इस इलाके में पैदा हुए हैं अगर कोई दूसरा साहित्यकार पैदा हो तो तुरंतुलनात्मक अध्ययन और जयसवाल जी से मेरी एक बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा कि उन्होंने तो रेणु को बहुत बाद में पढ़ा दूसरे साहित्यकारों को पहले पढ़ लिया था उनको रेणु के बारे में बाद में पता चला लेकिन जब भी रेणु की बात होती जी की बात होती है तो रेणु को लेकर चले आते हैं मैं कहता हूं कि स्वतंत्र रूप से जयसवाल जी का मूल्यांकन होना चाहिए मैंने सुरेंद्र के साथ देखा है बाद में उन्होंने उपन्यास लिखना ही बंद कर दिया जो भी लेख मैंने पढ़ा सब रेणु की कॉपी रेणु की कॉपी बिहार के कथाकार है रामधारी सिंह दिवाकर वो कहते हैं कि चंदकिशोर जायसवाल जी कम बोलते हैं उनकी रचनाएं ज्यादा बोलती है और इनसे बात करके भी ऐसा लगता है और इनके इंटरव्यू बहुत कम है इवन कि यूट्यूब पर हम इनका इंटरव्यू देखते हैं तो बहुत कम बोलते हैं संक्षिप्त जवाब देते हैं और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि इनकी रचनाएं ज्यादा बोलेंगी जैसा कि रामधारी सिंह दिवाकर ने कहा एक जो उपेक्षा की बात है उस पर मैं बात खत्म करूंगा मेरे एक दोस्त है अंजुम शर्मा आप लोग देख रहे हैं अभी रेखता का संगत प्रोग्राम आ रहा है दुनिया भर के लेखकों का इंटरव्यू हो गया मेरा क्लासमेट है अंजुम मैंने उसको फोन किया मैसेज किया कि जैसवाल जी का इंटरव्यू लो नहीं तो मैं कैमरा लगा के इंटरव्यू ले लूंगा और अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है कैसे उपेक्षा नहीं है इसको कैसे नहीं माने अब देखिए संगत में किसका किसका इंटरव्यू नहीं हुआ है वो पटना आकर के सबका इंटरव्यू लिए लेकिन वो जयसवाल जी के पास नहीं आए हैं और मैं इस मंच के माध्यम से भी अनुरोध करता हूँ कि इन सब चीज़ों को दूर किया जाना चाहिए नहीं तो हम लोग बिहार में खुद इस तरह का आ, का सेटअप बनाएंगे और मेरे पास तो मैंने किया भी है दिल्ली में और मैं खुद चंद किशोर जायसवाल जी का एक लंबा इंटरव्यू करूंगा अगर वहाँ से इंटरव्यू नहीं होता और ऐसा प्रयोग हम सभी स्वधार्थियों को छात्रों को और जो साहित्य के आ, श्रोता है उनको करना चाहिए क्योंकि नए ज़माने में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और मैं यहाँ से सर वादा करके जाता हूँ कि जितना मैंने कहा उसको मैं अपने विद्यार्थियों के माध्यम से अपने विश्वविद्यालय में पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगा और सर आपको एक आमंत्रण भी देना चाहता हूँ आपसे बातचीत भी हुई थी कि एक बार हमारे लिए चूँकि आपकी उम्र अब ऐसी नहीं है कि अब यात्रा कर सकें और मुझे ये अच्छा लगा कि लहक पत्रिका ने लेखक का सम्मान लेखक के घर में किया नहीं तो अक्सर दिल्ली बुलाया जाता है कलकत्ता बुलाया जाता है तो लहक पत्रिका का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपने उनके पूर्णिया शहर में आकर उनका सम्मान किया ये पूर्णिया का भी सम्मान है लहक का भी सम्मान है तो सर बस ये आमंत्रण है कि अगर मधेपुरा शहर से एक बार मैं आपको आमंत्रित करूँ एक कार्यक्रम हम लोग करना चाहते हैं तो आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर आपने महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित किया यह बात सही है कि बिहार की शोधार्थी और बिहार से संबंध रखने वाले आलोचकों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि मैं एक अपना व्यक्तिगत विचार बता रही हूँ कि मैं स्वयं बी और जे से संबंध रखती हूँ लेकिन जब मैंने अपना शोध विषय का चयन किया तो उससे पहले मुझे स्वयं पता नहीं था कि किशोर जायसवाल जितने बड़े लेखक हैं और इनकी रचनाएं इतनी समग्रता के साथ मौजूद हैं। लेकिन जब मुझे पता चला और मैंने इनसे बात किया और इन्होंने बेझिझक मुझे छः से सात सामग्री तुरंत पोस्ट के द्वारा भिजवा दिया तब जब मैंने पढ़ा तो मुझे वाकई लगा कि चंद जायसवाल जैसे अन्य और बिहार के कहानीकार हैं जिन्हें उस तरीके से पहचान नहीं मिल पा रही है तो ये हम लोगों के पास एक चुनौती भी है कि हम लोग इन कथाकारों को एक विशिष्ट पहचान दिलाने की कोशिश करें अब इस अगली कड़ी में मैं श्री सदानंद सुमन जी सर को आमंत्रित करती हूँ जो कवि और लेखक हैं और ये फरिसाथ रेणु जी के उपन्यास मैला आचल में चित्रित एक क्षेत्र है रानीगंज उससे वह ताल्लुक रखते हैं सर कृपया आएं। अध्यक्ष महोदय हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कर्ण सिंह चौहान जी सम्मानित कथाकार हमारे आदरणीय जायसवाल जी और इस प्रसाल में उपस्थित तमाम साहित्यकार बंधुओं एवं साहित्य शुभचिंतकों चंद्र किशोर जायसवाल जी पर इतना कुछ कहा गया अभी कि जो मैं कहना चाहता था वो पूर्व वक्ताओं ने वो कह दिया अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है इसलिए मैं असंबद्ध रूप से कुछ कुछ कहना चाहूँगा जायसवाल जी हिंदी के वो महत्वपूर्ण कथाकार हैं जिनकी अब तक उपेक्षा हुई है उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला आलोचकों की ओर से लेकिन यह सौभाग्य रहा उनका कि उनको पाठकों का बहुत सब सहयोग और उनका समर्थन मिला उनकी रचनाओं को सराहा धर्मयुग में उनकी पहली कहानी आई पहली नहीं दूसरी कहानी थी नकबेसर कागा ले भागा उस पर दो हजार ढाई हजार के करीब पत्र आए थे मैं जब सरोकार निकालता था तो उसमें उनकी कहानी वो टेढ़े गाछ की छाया छपी थी और उसमें मुझे सौ से अधिक पत्र मिले थे जिसमें लगभग तीस चालीस पत्र मैंने छापे थे और ऐसा कोई भी पत्र नहीं था जिसमें टेढ़े गाछ की छाया की चर्चा न हो ऐसा क्यों होता है कि पाठकों को वह कहानियाँ पसंद आती हैं तो इनमें जो कथा रस है गांव ग्रामीण जीवन की जो पकड़ है जो रेणु में थी वही इनकी रचनाओं में भी है देखिए यह मेरा सौभाग्य है कि मैं रेणु जी के यहाँ भी जाता रहा उनसे मिलता रहा और जायसवाल जी तो मेरे घर के उनका घर अपने घर की तरह हमको लगा पिछले तीस चालीस सालों से मैं जब भी पूर्णिया आया तो उनके यहाँ ही ठहरा उनको मैं जितना समझ सका हूँ वो उनमें परकाया प्रवेश की बहुत बड़ी शक्ति है वो सामने वाले व्यक्ति बै, को यह समझने नहीं देते हैं और उनका सब कुछ निकाल लेते हैं इनकी कहानियों में यह बात है जैसे कि मर गया दीपनाथ सांप्रदायिक दंगा में फंसा हुआ एक आदमी एक मुस्लिम परिवार में है और क्षण क्षण उनके मन में जो बात होती है वो किस तरह से वो वो कैसे वो व्यक्त किए यह बहुत लाजवाब और क्या कहते हैं कि इसको साध लेना उस कहानी को साध लेना इस तरह से यह उनकी सबसे बड़ी सफलता रही दूसरी बात ये गाँव पर बहुत लिखते रेणु जी में भी एक बात थी कि वो जब भी आते थे गांव से ही मसाला ले जाते थे उनका गाड़ीमान था कुसुमलाल और उनसे गांव में जो भी घटनाएं घटती थी या और कुछ होता था तो उनसे उनको सारी खबर लग जाती थी और जायसवाल जी का भी गांव है गांव ये भी गांव जाते हैं वहाँ भी इनकी मंडली जमती है और वहाँ से भी वो मसाला लाते हैं तो इस तरह से उनकी रचनाओं में लोक जो है वो रेणु के लोक से भिन्न नहीं है रेणु का वह समय था जब वो गुजरे 1977 में अभी मेरे बड़े भाई पुर्वोत्तरी जी ने कहा और उनके बाद का यह समय है तो वो समय भी बदला गांव भी बदला महिला अंचल या रेणु के समय का जो गांव था उसके बाद का जो समय है उसको बहुत आ, करीब से देखा और उसको पकड़ा जायसवाल जी ने और मुझे तो लगता है कि उनका उपन्यास जो है पलटनिया अगर उसको आप ठीक से पढ़ें तो लगता है कि महिला आंचल जहाँ से छूटा था उसके बाद की कड़ी वह है जातिवाद का जो जोर उस समय था गांव का बारावरण वो उस इसमें बहुत ज़्यादा मुखर होकर सामने आया है तो अपने समय को पकड़ना ये सबसे बड़ी बात है और जायसवाल जी इसमें सफल भी रहे हैं और सब मैं लहक सम्मान मिलने पर उन्हें लहक परिवार को बधाई देता हूं कि उन्होंने यहां आके हमारे प्रिय कथाकार को सम्मानित करने का जो कार्य किया है उसके लिए उनका आभार पूर्णिया वासियों की ओर से और तमाम हिंदी पाठकों की ओर से इतना धन्यवाद सर अब अध्यक्षीय उद्बोधन से पहले आज के सम्मानित मूर्ति श्री चंदकिशोर जायसवाल जी सर से आग्रह करूंगी कि अपने रचना लेखन से संबंधित दो शब्द हम लोगों के सामने रखें आगंतुक विद्वन और साहित्य प्रेमियों मुझे खुशी हो रही है कुछ अतिरिक्त खुशी अपने सम्मान के लिए नहीं यह खुशी उन श्रद्धालुओं की खुशी है जैसी है जो किसी शुभ तिथि को गंगा स्नान करते हैं और उनके साथ यह विश्वास होता है कि उसी घाट पर ढेर सारे देवता भी डुबकी लगा रहे हैं जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं बाहर से और बहुत कष्ट करके आए हैं उनके प्रति मैं अपना आदर भाव प्रकट करता हूँ एक बात श्रीमद जैनेन्द्र ने कह दी है मेरे मधेपुरा या सहरसा जाने की बात मैं मधेपुरा तीन चार बार जा चुका हूँ और सहरसा भी एक बार तो गया ही हूँ हो सकता है दोबारा भी गया हूँ मैं शिकायत तो अब नहीं करना चाहता था लेकिन श्रीमंत के जवाब में मैं शिकायत कर रहा हूँ मधेपुरा में मैंने इतना तक कह दिया था कि मधेपुरा में रोम का पोप और मधेपुरा गोप का इस तरह की बात चली थी हाँ ठीक है रो तो ये कब तक लाठी डंडा लेकर आप आ, आ, आएंगे लाठी की जगह कलम क्यों नहीं है आपके हाथ कहकर मैं चला आया था मुझे डर भी था कि कहीं लोग उसी समय इसका विरोध न कर दें गलत तरीके से लेकिन मेरे साथ विनय बाबू भी थे उसके बाद भी मधेपुरा में कभी कोई ऐसा आयोजन नहीं हो पाया अकेले विनय बाबू मरकट रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं बहुतों के बारे में लिखा है और सहरसा भी मैं गया था तो वहाँ भी एक अजब ही नज़ारा था उस कॉलेज में डेढ़ सौ राजपूत प्रोफेसर थे और सिर्फ एक जादव कर्मचारी था लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत आदर से बुलाया वहाँ रखा और मैंने उनसे यह आग्रह किया था कि यहाँ हिंदी साहित्य का जो कुछ काम होना चाहिए वो कुछ हो नहीं रहा है तो आप लोग इसको आगे बढ़ाइए वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो कि इसमें निर्णय ले सकते थे काफ़ी उत्साही लोग और मुझे लगा कि आगे कुछ बढ़ेगा लेकिन उस अंचल में मैथिली पर तो काम होता रहा हिंदी साहित्य का नहीं हुआ उपेक्षा की जो बात अब आप लोगों ने कही है तो इसको घनघोर उप, उपेक्षा नहीं कर, कर सकते हैं क्योंकि मेरे साथ पाठक वर्ग थे जिस पत्रिका में भी मैं कहानी भेजता था वो छापते थे और यहाँ डॉक्टर करण सिंह चौहान जी भी बैठे हुए हैं इनके ही समकक्ष समीक्षक थे जिनसे मुझे लखनऊ में या कानपुर में भेंट हुई थी तो जैसे ही मैं उनके सामने आया कि उन्होंने कहा हाँ जायसवाल जी आपकी हर रचना में पढ़ रहा हूँ और आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं मैंने चुपचाप सुन लिया मेरी कोई बात नहीं हुई मन में सोचा बहुत दिनों बात सोचता रहा कि पढ़ रहे हैं तो कुछ लिख क्यों नहीं रहे लेकिन ये पूछना मुझे उचित तो नहीं लगा और राजेंद्र यादव के यहाँ कुछ बातें बोल रहा हूँ जो मैं आज तक कभी नहीं बोलता था राजेंद्र यादव के पास भी जब मैं बैठता था तो ऐसा अक्सर तीन चार बार हुआ कि, कि वो मुझसे बोले कि जायसवाल जी आपको मैं बिहार से अगर किसी एक का नाम लेना होगा तो आपका नाम लूँगा ऐसा वो लगभग दोहराते रहे पहली बार दूसरी बार मैं चुपचाप सुनकर मुस्कुरा देता था मुझे ये जरूर मन में सवाल उठता था कि बिहार से बाहर ये क्यों नहीं जा रहे हैं बिहार में ही क्यों अटके रहे तो खैर वो बात भी अलग हुई एक बात मैं श्रीमंत जी को बता देना चाहता हूँ जानते भी होंगे कि जिस लेखक के पास उसकी धरती के लोग नहीं रहेंगे उस लेखक का आगे बढ़ना कुछ मुश्किल हो जाएगा शेक्सपियर को अंग्रेजों ने दुनिया भर में फैला दिया हर जगह ऐसा नहीं कि उसी के बराबर ग्रीक ट्रेजडीज़ नहीं है उनकी रचना या रोमन ट्रेजिडीज़ नहीं है वो भी हैं लेकिन उनको फैलाने वाला कोई नहीं था और पूर्णिया का ही हाल आप देख लीजिए कि जो नहीं बोलने वाली बात है वो भी मैं आज बोल रहा हूँ कि अनुपलाल मंडल अट्ठारह या बाईस उपन्यास लिखे हैं और न उनके परिवार से कोई आवाज़ उठ रही है न उनका गांव जो बहुत सभ्य सुशिक्षित माना जाता है वहाँ से भी कोई आवाज़ उठ रही है बल्कि ऐसा हुआ कि यहाँ से सिर्फ बच्चा उस समय बच्चा यादव जी हो गए वो थे तो उनके घर गए उनको अजीब जवाब मिला और वो वो नहीं दिया उन, उन उनकी आत्मकथा की जो पांडुलिपि थी वो नहीं दिया और इस संदर्भ में कुछ दूसरे लेखकों के भी नाम आ सकते हैं तो इसलिए मैं कहूँगा कि लिखने वाला लिख दिया आपने सुन भी लिया चौहान साहब से कि जिन्होंने वेद उपनिषद लिखे उनका नाम कोई नहीं जानता है लिखने वाले ने लिख दिया अब वो नाम जाने या ना जाने लेकिन यह लोग जान रहे हैं कि वेद भारत में लिखा गया था उपनिषद भारत में लिखा गया था आपके पूर्णिया में क्या लिखा जा रहा है कम से कम इतना तो आप सुरक्षित रखें अपने बारे में और विशेष कुछ वक्तव्य देना होता है लेकिन जहाँ मुझ पर खुद बात हो रही है मैं क्या दूँ बहुत कुछ है। जो बोलना होता है मैं उपन्यासों में कहानियों में बोल लेता हूँ क्योंकि वहाँ ऐसा है कि कुछ उलझलूल भी चल जाता है दिक्कत नहीं होती है ऐसे अधिक और जानकारी आप लेना चाहें या मेरे मुझसे सुनना चाहें तो ये लाख दिसंबर की प्रतियाँ सब लोगों को मिल चुकी हैं उसमें एक साक्षात्कार है डॉक्टर सिन्हा का तो उसको आप देख लें उसमें बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे और ये पूर्णिया के बारे में मालूम भी है कि पहले कभी इसे जहर माहौल से जो जोड़ा जाता था बाद में यह अब साहित्य तीर्थ हो गया है करण सिंह चौहान जी ने वादा किया है कि वो हर साल पूर्णिया आते रहेंगे क्योंकि उन्होंने जैसा कहा कि पूर्णिया नाम में ही रोमांस है तो बड़ी खुशी हुई मुझे यह सुनकर और मैं बहुत आसानित हूँ कि कम से कम इस क्षेत्र को बहुत दूर तक लेकर चले जाएंगे चौहान जी जैसे समीक्षक या इनके और भी ये काफ़ी अनुभवी हैं और इनकी ढेर सारी किताबें निकली हुई हैं वो विनय वह के सुखर्द कर दी गई है और इससे अधिक मैं क्या बोलूँ अभी लिखने की बात बोल रहे हैं अभी अभी मैंने एक उपन्यास पूरा कर लिया है क्योंकि मेरी सारी किताबों का अनुबंध राजकमल से हो गया है इसलिए वो पुरानी किताबों को ही निकालने में लगे हुए हैं क्योंकि रचनाकार प्रकाशन से भी वो किताबें निकली हुई थी तो उसमें समय लग रहा है लेकिन अभी अभी मैंने पूरा किया है एक दुलारी चाची नामक उपन्यास तो इसमें जो स्त्री शक्ति की बात कर आ, कहते हैं तो वो सिर्फ एक भावनात्मक रूप से उसमें स्पष्ट नहीं कुछ किया गया है वो बिल्कुल रचनात्मक रूप से स्त्री शक्ति वहाँ दिखाई गई है कि किस तरह अब स्त्री शक्ति का बोल रहा हूँ तो मन उठना है कि और एक आध बा बोल लू स्त्री शक्ति का एक उदाहरण करीब 2000 साल पहले रोम में दिखाया गया था नाटककार का नाम मैं भूल रहा हूँ और नाटक का नाम भी भूल रहा हूँ लेकिन क्या है उसमें बता देता हूँ रोम में छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे बहुत सारे राज्य थे और वो आपस में लड़ते रहते थे तो बराबर -बड़ लड़ाइयाँ होती रहती थी तो वहाँ की स्त्रियों ने निर्णय लिया कि भाई बहुत नुकसान हो रहा है हमारे पति मारे जा रहे हैं बच्चे मारे जा रहे हैं, इसको तो रोकना है तो कैसे रोका जाए तो सब राज्यों की स्त्रियों ने सभा की और ये संकल्प ले लिया कि जब तक ये युद्ध बंद नहीं होता है तब तक हम किसी मर्द को दे छूने नहीं देंगे उस समय का बहुत अच्छा नाटक था और आश्चर्य होगा होता है कि जहाँ बेशिया घर थे वहाँ भी ये हड़ताल हो गई और मर्दों को रोकना पड़ा जुट तो एक स्त्री शक्ति का वो नमूना था आज क्या है आज जो बदलाव मैं देख रहा हूँ आप सब लोग देख रहे हैं सब लोग देख रहे हैं कि जो घर की महिलाएं हैं वो घर का आय बढ़ा रही हैं मर्द खुश हैं ढेर सारी योजनाएं हैं जिसमें गांव की स्त्रियां हिस्सा ले रही हैं और उनका इनकम बढ़ रहा है तो उनकी इज्जत भी बढ़ती है जो आज तक वृद्ध लोग बेइज़्जत रहते थे घर में उनको भी जब पेंसिल मिलने लगी तो बहु भी आदर करने लगी तो जब इनकम बढ़ेगा इनकम बढ़ाने में महिलाओं का सहयोग होगा तब आपसे आप उनका सम्मान समाज में बढ़ेगा उनकी पूछ बढ़ेगी यही चीज़ है उसमें और भी किस्से हैं वो किस अंतिम जो उसका अध्याय है उसमें ब्राह्मणों का और शूद्रों का भोज कराया गया है एक डोम परिवार है उसने पूरे गांव को गांव के ब्राह्मणों को भोज दिया है तो ये कोई ऐसा आमंत्रण नहीं है कि जिसको लोग ठुकरा दें या आवें वो आमंत्रण की तरकीब ये है कि किस तरह वो महसूस करें कि नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए आराम से रहने के लिए सब मिलकर जाए और वो कैसे ऐसा हुआ है वो उपन्यास पढ़ के नहीं तो मुझको विस्तार में बहुत जाना पड़ेगा उपन्यास पढ़ के तो मेरी ये इच्छा रहती है वहाँ भी जो दुलारी चाची की शिष्या है तो मालूम हो गया है कि सोलकन टोलों में भी बंदूक आ गई है और उसे कुछ बोलते हैं लोग कि भाई अगर ब्राह्मण लोग हम लोगों पर अटैक करते हैं आक्रमण करते हैं तो हम लोग भी तो जो महिला है शिष्या है दुलारी चाची की दुलारी चाची का नाम है उसी की शिष्याएँ जगह जगह गांव जा रही हैं तो वो कहती है कि समाज में मुझे यह नहीं करना है मुझे एक रस ले आना है सबको संतुलन पैदा करना है नहीं तब तो ऐसा ही होता रहेगा कि जब ब्राह्मण शक्ति में रहेंगे तो वो अत्याचार करेंगे और जब सुदृढ़ शक्ति में रहेंगे तो वो अत्याचार चलेंगे तो फिर समाज बदलेगा नहीं या जो अस्थायी समाधान है वो नहीं होगा खैर मैंने हल्की सी रूपरेखा आपको बता दी हालांकि ये अब मैं समझता हूँ कि मैं जरूरत से ज़्यादा बोल गया और और जो बच गया वो आप उसी में लग विशेष में देख लेंगे धन्यवाद अपने अपने विचारों और कुछ शिकायतों को हम सबके समक्ष रखा जिस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और साथ ही हम सब आपसे यह आशा करते हैं कि आगामी दिनों में आपकी और भी रचनाओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा अब इस कार्यक्रम के ऑलमोस्ट अंतिम कड़ी में के रूप में अध्यक्ष महोदय से नर्म निवेदन है कि वे आएँ और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अभिभूत करें सर कृपया संचालक के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने लंच भी दिया और मंच भी दिया और उनके साहित्य धर्मी शिक्षक गश्त भी कर रहे हैं लगातार अविराम और कायदे से मुझे पूर्व वक्ताओं के प्रति उनकी वाणी को भी का भी हार करना चाहिए जो अध्यक्ष का दायित्व तो बनता है लेकिन हम लहक की महक से इतने शराबोर हैं कि तीन चार घंटे का यह कार्यक्रम निर्भय देवयांश जी ने यह सुयोग स्वर्णिम अवसर उपस्थित किया और चंद्रकिशोर जायसवाल पर केंद्रित यह आयोजन किया पुरस्कार वितरण किया और वे उन्होंने लहक का विशेषांक निकाल कर एक साहित्य के धरातल पर बड़ा ही सराहनीय काम किया चंद्रकिशोर जायसवाल जी वास्तव में मधेपुरा की उपज हैं जहाँ इन्होंने लाठी के बदले कलम की ख्वाहिश जाहिर की जायसवाल जी का साहित्य प्रेम और रचना धर्मिता पार, पारिवारिक विरासत के रूप में है इनके अग्रज नवरंग जायसवाल भी एक सिद्ध हस्त कथाकार रहे जो बम्बई में रहते थे रति पुराण और एक और वैसा ही बड़ा ही सिद्ध सफल उनका लेखन है आज के अंजुमन के चांद जायसवाल जी मेरे एक मित्र की चार पंक्तियां हैं अपने होठों पे हंसी रूह में गम रखते हैं देखिए हम भी क्या जीने का हुनर रखते हैं आप हाथों में लिए फिरते हैं तलवार तो क्या हम नहीं डरते कि हाथों में कलम रखते हैं तो ऐसे कलम जी भी जायसवाल जी को आज सम्मानित किया गया जायसवाल जी के बारे में बहुत पूर्व ही श्रीपत राय ने कमेंट किया था कि अपरिमेय रचनात्मक ऊर्जा से संपन्न हैं अपनी एक सम्मति में उन्होंने दिया था और सचमुच ये अभी तक अस्सी पार करके भी रचना से विमुख नहीं हुए हैं अभी तक रत्ना रच होना रत्ना रत होना अपने आप में सुखद आश्चर्य है जबकि इस उम्र में लोग सुनाया मेरे ही एक बसंत जी की पंक्ति की लगने लगा है बिस्तर बाहर दालान में बूढ़े के लिए अब नहीं कमरा मकान में दी थी जिन्हें जुबान वे जवान हो गए कहते हैं लगा लीजिए ताला जुबान में लेकिन इस अस्सी पार लेखक में सदैव ही सकारात्मक ऊर्जा रही है रचनात्मक ऊर्जा रही है इनका जो प्रथम उपन्यास है गवाह गैर हाजिर उसमें भी किशुन शाह जो है संपूर्ण रूप से समाज को परिवार को बेटे पुतहू को विदा अलविदा कहकर निकल पड़ते हैं गाड़ी खोल के वैराग्य की ओर अलक्ष लक्ष्य की ओर लेकिन फिर लोग गाड़ी लौटा लो लेते हैं तो लेखक का काम ये नहीं है कि इस ग्रहित समाज को छोड़ दें वे सतत इसी समाज में जीते हैं इसी समाज में संघर्ष करते हैं चंद्र किशोर जायसवाल ऐसे लेखक हैं जो ग्रामीण जीवन और समाज से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं समाज और समय की धारा में बहते हुए इन्होंने लेखन किया है और कर रहे हैं एक शायर ने लिखा कि करेंगे हम तो अपने गांव में ही खुदकुशी यारो तुम्हारे शहर में तो बहुत ही महंगा कफन होगा तो जायसवाल जी इस छोटे से दायरे में ही संघर्षरत हैं और ग्रामीण जीवन को बड़ी ही बारीकी से देखते हुए उसको जीते हुए कोई भी लेखक जीवंत लेखन तभी कर सकता है जब वह समाज की धारा में बह भी रहा हो और उसको देख भी रहा हो वह भोक्ता भी हो और दृष्टा भी हो साथ साथ यह रचनात्मक विशेषज्ञता इन्हें हासिल है और इसीलिए कोशिश समाज को के जर्रे जर्रे को रेसे राई रेसे को इन्होंने चित्रित किया है और किए जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ऊंचा उठने की दिल्ली तक दस्तक देने की ख्वाहिश इनमें नहीं रही हो ऐसा नहीं है एक स्वाने वाले कथाकार हैं निर्वा निर्व्याज साहित्य साधना करने वाले कथाकार हैं कोई भी रचनाकार परंपरा का पुष्प होता है वर्तमान का सूक्ष्म दृष्टा और भविष्य का बीज बनता है वह हमें चंद्रकिशोर जायसवाल का आकलन मूल्यांकन यद्यपि कथित तौर पर मैं ही उनका एक आलोचक हूँ लेकिन सच यह है कि मैं आलोचक समीक्षक नहीं हूँ मैं कवि हूँ और केवल और केवल पाठक हूँ चंद्रकिशोर जायसवाल का और प्रशंसक गुणग्राहक भी तो चंद्रकिशोर जायसवाल को अगर मूल्यांकित करना है शोधपरक कार्य आगे बढ़ाना है तो एक तो हम परंपरा में कहाँ हैं जिस प्रकार प्रेमचंद से पूर्व के युग में राजा रानी और तिलस्मी अयारी कहानियों का युग था प्रेमचंद ने कथा धारा में एक मोड़ देकर यथार्थ से जोड़ा तो जो किसी धारा को जो परंपरा को एक नई मोड़ देता है वह इतिहास में दर्ज होता है प्रेमचंद इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत लिखा प्रेमचंद इसलिए इतिहास में दर्ज हुए एक युग बना कि उन्होंने पूर्व की परंपरा में एक मोड़ देने का प्रयास किया और निभाने को विराम देता धन्यवाद सर वाकई आपने हमारा ध्यान इस और आकर्षित किया करवाया कि साहित्य परंपरा में अपनी रचना धर्मिता से लेखक एक मोड़ देखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जैसे प्रेमचंद्र फरेश्वर थरेडू और फिर चंद किशोर जायसवाल जी अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए लेखक श्री यमुना प्रसाद बसाक जी को आमंत्रित करती हूँ सर कृपया आएँ मंचा हमारे विद्वान डॉक्टर श्री कर्ण सिंह चौहान जी श्री विनय कुमार चौधरी और मेरे ही नहीं हमारे हम सबके प्रिय लेखक श्री चंद्र किशोर जायसवाल जी देखिए मैं तो सबसे पहले कहना चाहता हूँ मैं तो वक्ता नहीं हूँ न विद्वान हूँ हाँ पाठक हूँ श्री जायसवाल जी की लगभग सारी रचनाएं मैंने पर डाली है सिर्फ एक रचना को छोड़कर दुख ग्राम वह रचना भी मेरे पास थी वह उपन्यास भी मेरे पास था मेरे एक मित्र ने मांग कर कि आपने अपना कीमती वक्त दिया यहाँ कुछ सुनाया कुछ सुना कोई अच्छी बातें हुई और इसके बाद मैं धन्यवाद धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ साहित्यतर लोगों की भी हम लोग जब भोजनालय गए वहाँ जितने लोग थे उनको न कविता से कोई मतलब था न कहानी से था लेकिन उनका सहयोग था इस कार्यक्रम की सफलता के लिए इसलिए मैं दिल से उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अभी जो मेरे एक मित्र कैमरा के पास खड़े हैं उस जैसे और साहित्यतर व्यक्ति हैं लोग हैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस मान बहादुर सिंह लाहक सम्मान समारोह के आयोजन के लिए निर्भय आया और वे आने की कृपा किए और श्री रमेशचंद्र मिश्र जी जो विद्या विहार आवासीय विद्यालय के सचिव हैं उनके प्रति भी मेरा वंदन अभिनंदन धन्यवाद साधुवाद इसके बाद कुशल पिता के कुशल पुत्र श्री राजेश मिश्र जी उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित नहीं करना ये इंसाफी नहीं होगी क्योंकि उनका उनको जो देखा आज हमने काफी सक्रिय रूप में तो निश्चित पूर्वक साहित्य अनुरागी हैं और समाज उन्मुखी कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई अब क्या बोलना मैं तो वक्ता हूँ नहीं कि बोलूंगा आ, उनके साहित्य पर तो सारी चर्चाएं हुई और चर्चा होनी है चर्चा होंगी बस केवल श्री जयसवाल जी के बारे में साहित्यतर बात ही करूंगा लगभग पैंतीस साल से उनका सानिध्य मुझे मिला है और मेरे मित्रों को घोषणा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अब आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है धन्यवाद